Hello students, welcome to this webinar of matrices determinants. Myself Anurag Priya from Vidyanandar classes. I am faculty of mathematics over there from last 7 years, and I'm in teaching profession from 2002. Okay, so let's start with this webinar. Now matrices determinants एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जेई मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये इसका सिलेबस है. इसमें आ रहा है आपका मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 and 3 आर देयर, मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 and 3 स्पेशली, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, इवैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एटसेट्रा. देन यू हैव कंजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स. Okay, then another topic is testing of consistency or solution of the simultaneous linear equation in 2 or 3 variables using determinants or matrices. Okay, तो आज आप जब देख पा रहे हैं ट्रेंड, इसकी जो एनालिसिस है, ट्रेंड एनालिसिस जो 2019 और 20 की यहाँ पे हमने की है, तो हर एक पेपर के अंदर 2 questions आ रहे हैं. तो 2 questions आना इटसेल्फ इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग कि 2 question आ रहे हैं. कि मतलब लास्ट ईयर जब 30 question थे तब भी 2 question आए थे, और इस साल हर एक शिफ्ट के अंदर जबकि सिर्फ 25 question आए थे जनवरी में, तब भी 2 question आए थे. तो मतलब इस साल जो जनवरी में पेपर थे वो 6 पेपर हुए थे, टोटल 6 पेपर हुए थे. ओके, और हर एक पेपर में 2 question आए थे, हेंस 12 questions 2020 जनवरी में. एंड जनवरी एंड अप्रैल जो 2019 में लास्ट ईयर 8 पेपर्स हुए थे 4 दिन में, और 2 शिफ्ट्स में, मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में, और हर एक में 2 2 क्वेश्चन आए थे. 16 क्वेश्चन अपीयर इन दैट. नाउ ऑफ दीज जो टॉपिक्स सिलेबस में मेंशन है, इसमें से जो आपकी प्रॉपर्टीज एडजॉइंट की या मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स की, ट्रांसपोज की, मतलब ये जितनी भी प्रॉपर्टीज बेस्ड है, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है, इस पे से आपका एक क्वेश्चन रहता है हमेशा. एक क्वेश्चन ये प्रॉपर्टीज बेस्ड रहता है हर बारी, और एक क्वेश्चन आपका इस पार्ट में से रहता है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस, जो फिक्स्ड है हर बारी. मतलब हर बारी एक क्वेश्चन प्रॉपर्टीज बेस्ड रहता है, और आपका एक क्वेश्चन हर बारी साइमल्टेनियस इक्वेशंस का है. मतलब तो और बहुत ईजी से क्वेश्चन होते हैं, और ज्यादा थ्योरी भी नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरी पार्ट. नाउ दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. हम डेफिनेशन ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन आपको सारी आती है, और मतलब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. तो बेसिक्स ऑफ दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. तो एज यू कैन सी ओवर हियर, इट सेज इफ रोज बी इंटरचेंज, देन If rows and columns of the matrix are interchanged, then the determinant is unaltered. That is, it says determinant of A is same as determinant of A transpose. मतलब अगर आप row और column को interchange कर रहे हो, तो determinant की value पे कोई effect नहीं आया. Determinant of A is same as determinant of A transpose. Okay. Now second property is if you any 2 rows are interchanged, then the determinant becomes negative of the original determinant. That is, if you Ri इंटरचेंज विद आर जे, तो जो नया डिटर्मिनेंट बी बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग जो मैट्रिक्स बी बन रहा है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी विल बी नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए. मतलब अर्लियर अगर मैट्रिक्स ये था, और इस प्रॉपर्टी के अंदर आर आई इंटरचेंज विद आर जे, अगर आपका मैट्रिक्स बी बन गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए. फर्दर थर्ड प्रॉपर्टी से, इफ 2 rows इन अ डिटर्मिनेंट हैव कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0. 2 rows और 2 columns, मतलब अगर आर आई रो आर जे रो सेम है, या कॉलम आई सेम एज कॉलम जे, देन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0. फर्दर फोर्थ प्रॉपर्टी सेज, इफ ईच ऑफ द एंट्रीज ऑफ वन रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय के, देन द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय के. मतलब अगर आपने आर आई को के टाइम्स आर आई कर दिया, आईएथ रो को के टाइम्स आर आई कर दिया, तो आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी होगा, न्यू मैट्रिक्स अगर बी बन जाता, इट विल बी के टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए.
Further, it says if each row of a determinant is written as the sum of the two or more terms, then the determinant can be written as sum of the two or more determinants. इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ देख लेते हैं, मतलब ये क्या कह रहा है। प्रॉपर्टी के अंदर इट सेज कि अगर हमारा डिटरमिनेंट के अंदर एक रो में हर एक एलिमेंट सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स है, लेट्स से इट इज ए प्लस बी सी प्लस डी ई एफ, तो आप इस डिटरमिनेंट को स्प्लिट कर सकते हो दो डिटरमिनेंट में, जिसमें आपकी जो ये सेकेंड रो है लेट्स से वो फिक्स रहेगी दोनों में, और पहली रो में या जिस भी रो में सम ऑफ एलिमेंट्स में था तो उसके एलिमेंट स्प्लिट हो जाएंगे। मतलब अगर ए प्लस बी था तो इधर ए इधर बी, तो लेट्स से इधर सी इधर डी। सिमिलरली अगर बाय चांस सेकेंड रो भी सम ऑफ टू एलिमेंट्स में होती है तो ये लेट्स से इफ इट इज ए प्लस बी सी प्लस डी ई प्लस एफ जी प्लस एच ऐसा होता तो इट विल बी एक बारी में एक रो इंटैक्ट रहेगी और एक रो स्प्लिट होगी। मतलब अगर आप पहली रो को स्प्लिट करते हो तो इट विल ए, सेकेंड में आपने लिख लिया सी बी, हेयर इट इज सी हेयर इट इज डी, सेकेंड रो आपने सेम रखी ई प्लस एफ जी प्लस एच ई प्लस एफ जी प्लस एच। नाउ अब आप इसको फिर से स्प्लिट करोगे जिसमें इट विल बी ए सी ई जी प्लस ए सी एफ एच। दिस टाइम फर्स्ट रो जो ये इंटैक्ट थी वो दोनों में सेम रही और सेकेंड रो स्प्लिट करिए। सिमिलरली दिस कैन बी स्प्लिट इनटू टू, सो दैट इज योर फिफ्थ प्रॉपर्टी। फर्दर इट सेज सिक्स्थ प्रॉपर्टी इज इफ ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ लाइन ऑफ अ डिटरमिनेंट वी एडिड विद द इक्वल मल्टीपल्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ वन और मोर पैरेलल लाइंस, दैट इज अगर रो में आप एक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, सिक्स्थ प्रॉपर्टी सेज कि अगर रो आई गोज टू रो आई प्लस के टाइम्स रो जे, अगर आप किसी रो में आईथ रो में जीएथ रो का के टाइम्स ऐड कर देते हो तो डिटरमिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब जो डिटरमिनेंट बी नया मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटरमिनेंट वही होगा जो डिटरमिनेंट ए होगा, डिटरमिनेंट वोंट चेंज। दैट इज सिक्स प्रॉपर्टी। सेवन सेज इफ ईच एंट्री इन अ रो ऑफ अ डिटरमिनेंट इज जीरो देन द डिटरमिनेंट वैनिशेस, दैट इज ऑब्वियस कि अगर एक किसी भी मैट्रिक्स में एक रो या एक कॉलम कंप्लीटली जीरो है तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, दैट इज बाय डेफिनेशन। एंड एट सेज इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम में अगर वो फंक्शन ऑफ एक्स हैं तो उसमें अगर आप एक्स को ए डाल देते हो और वो सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, दैट मीन्स एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर। मतलब अगर एट्थ प्रॉपर्टी की हम बात करें, इट सेज कि अगर आपके पास फर्स्ट रो इज एफ एक्स, लेट्स से जी एक्स से एच एक्स से यू एक्स, फर्स्ट रो इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एज वेल एज सेकेंड रो इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सेकेंड रो चाहे कोई भी हो बट अगर आपको एफ ए और लेट्स से जी ए दोनों जीरो हो रहे हैं, मतलब एक्स को ए डालने पर फर्स्ट रो में अगर दोनों जीरो हो रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स माइनस ए एफ एक्स का भी फैक्टर है, एक्स माइनस ए जी एक्स का भी फैक्टर है, एंड दैट मीन एक्स माइनस ए इवेंचुअली डिटरमिनेंट से बाहर आ जाएगा, प्रोवाइडेड लेट्स से एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलीनोमियल फंक्शन, मतलब एक्स माइनस ए का एक फैक्टर आ जाएगा बाहर, दैट इज द प्रॉपर्टी एट। तो दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस यू मे डेफिनेटली लर्न दीज प्रॉपर्टीज जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज डिटर्मिनेंट ए टाइम्स डिटर्मिनेंट बी टेंथ, डिटर्मिनेंट ऑफ के मतलब अगर एक मैट्रिक्स को किसी कॉन्स्टेंट स्केलर मल्टीपल के से मल्टीप्लाई किया हुआ देन के की एनथ पावर बाहर आएगी, वेर एन क्या डिनोट कर रहा है ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए एन डिनोट्स ऑर्डर ऑफ ए। फर्दर यू मे डेफिनेटली लर्न दीज सम मोर प्रॉपर्टीज, दैट इज लेट्स से डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो हमने पहले भी लिखा था, डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। बाकी जो अभी प्रॉपर्टीज आएंगे लेटर अभी लेटर ऑन आ जाएंगे। नाउ दिस इज साइमल्टेनियस इक्वेशंस, लेट्स से द इक्वेशंस आर a1x + b1y + c1z इज इक्वल टू d1, a2x + b2y + c2z + d2 इज इक्वल टू d2 एंड a3x + b3y, a3x + b3y + c3z इज इक्वल टू d3। दीज आर थ्री इक्वेशन इन थ्री अननोन्स x y z और इसका आपको सॉल्यूशन लिखना है। तो जो हम मेथड यूज कर रहे हैं यहां पे दैट इज डिटरमिनेंट मेथड और कॉल्ड क्रैमर्स रूल।
डिटरमिनेंट मेथड और कॉल्ड क्रैमर्स रूल। तो इसमें हमने क्या वैल्यूट किया, चार डिटरमिनेंट वैल्यूट के पर्टिकुलरली, वन इज कॉल्ड डी, अनदर थ्री आर कॉल्ड d1 d2 d3, जिसमें व्हाट इज डी, डी क्या डिनोट कर रहा है, डी डिनोट्स डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, मतलब जो यहाँ पे एक्स वाई जेड के फर्स्ट इक्वेशन में कोएफिशिएंट्स इन्वॉल्व है, a1 b1 c1, सेकंड में a2 b2 c2, a3 b3 c3, उससे फॉर्म हुआ वो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज डी। व्हाट अबाउट d1, d1 क्या डिनोट कर रहा है, जो राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स थे d1 d2 d3, उसको फर्स्ट कॉलम की जगह जो कि एक्स के कोएफिशिएंट थे उसकी जगह रिप्लेस कर दिया गया, इसको रिप्लेस कर दिया गया डी वन डी टू डी थ्री से, और बाकी दोनों कॉलम इंटैक्ट है डी वन डी टू डी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। सिमिलरली इन डी टू, डी वन डी टू डी थ्री इज रिप्लेस बाय डी वन डी टू बी डी वन डी टू डी थ्री को हमने रिप्लेस कर दिया वाई के कोएफिशिएंट की जगह। सिमिलरली डी थ्री में हमने डी वन डी टू डी थ्री को रिप्लेस कर दिया जेड के कोएफिशिएंट की जगह। तो ये जो चार डिटरमिनेंट इवेल्युएट करेंगे, इन चारों डिटरमिनेंट से हमारा फाइनल जजमेंट मिलेगी कि हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन किस किस टाइप का है। मतलब तो अगर हमारा डी जीरो नहीं है, अगर हमारा डी जीरो नहीं है, दैट इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर सिस्टम आपको लिखा हुआ है सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, दैट मींस डी मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, जो पहला कोएफिशिएंट मैट्रिक्स डी आ रहा है ये जीरो नहीं है। तो ये सबसे इजी केस है जिसमें यूनिक सॉल्यूशन की अगर बात कर रहा है तो आपको सिर्फ डी देखना है और डी जीरो नहीं है। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन बोल रहा है तो डी जीरो नहीं है, और अगर अगर डी निकाला और डी जीरो नहीं आ रहा, दैट मीन सिस्टम हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन बाय क्रैमर्स रूल इज गिवन बाय दिस, एक्स इज इक्वल टू डी वन बाय डी, वाई इक्वल्स टू डी टू बाय डी, जेड इज इक्वल टू डी थ्री बाय डी। तो यू विल लर्न दिस एज एक्स बाय डी वन इज इक्वल टू वाई बाय डी टू इक्वल्स जेड बाय डी थ्री इक्वल्स वन बाय डी, हेंस एक्स इज डी वन बाय डी, वाई इज डी टू बाय डी, जेड इज डी थ्री बाय डी। सिमिलरली अगर बाई चांस डी जीरो आ जाता, अगर हमारा जो पहला डिटरमिनेंट डी है वो जीरो आ जाता, और डी वन डी टू डी थ्री में से कोई एटलीस्ट एक नॉन जीरो रहता है, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट और इट हैज नो सोल्यूशन। दैट मीन्स अगर आपका सिस्टम दिया हुआ है कि सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, तो आपको ये चेक करना है कि डी जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, और डी वन डी टू डी थ्री, डी वन डी टू डी थ्री में से कोई एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी नॉन जीरो, मस्ट बी नॉन जीरो। एंड लास्टली अगर आपके चारों डिटरमिनेंट्स वैनिश कर जाते हैं, दैट मीन्स सिस्टम हैज इनफाइनेटली सोल्यूशन, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। मतलब अगर आपको दिया हुआ सिस्टम हैज इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, दैट मीन्स आपके ये चारों डिटरमिनेंट वैनिश करेंगे, चारों डिटरमिनेंट वैनिश करेंगे। मतलब जेई मेन्स में इसके अलावा एक दो एक्सेप्शनल केस है एडवांस के लिए जब हम उसको प्लेन्स के साथ डील करते हैं, बट जेई मेन्स के लिए यही है जिसमें आपको अगर क्वेश्चन के अंदर इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन दिया हुआ है तो ये चारों डिटरमिनेंट वैनिश कर देंगे। इसी का एक सब केस है दैट इज होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, वेयर एज राइट हैंड साइड पे जो डी आईज थे डी वन डी टू डी थ्री, अगर वो तीनों जीरो है, इन पर्टिकुलर अगर वो तीनों जीरो है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि डी वन डी टू डी थ्री जो तीन डिटरमिनेंट हम फ्रेम कर रहे हैं वो तीनों डेफिनेटली वैनिश कर जाएंगे। तो ये जो मैट्रिसेस होंगे डी डी वन डी टू डी थ्री वाले जो मैट्रिसेस बने हैं वो सिंगुलर मैट्रिसेस होंगे, क्योंकि तो उनका उसमें एक कॉलम कम्प्लीटली जीरो होगा। तो उस केस के अंदर आपके डी वन डी टू डी थ्री तो तीनों जीरो होंगे गारंटीड, और उसका एक सोल्यूशन गारंटी होगा जीरो जीरो जीरो, जिसको हम ट्रिवियल सोल्यूशन भी बोल देते हैं। तो उस केस के अंदर आपके सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर इट विल हैव यूनिक सोल्यूशन ऑल्सो कॉल्ड ट्रिवियल सोल्यूशन, ऑल्सो कॉल्ड ट्रिवियल सोल्यूशन, और वो कब होगा, जब आपका डी नॉन जीरो है, जब आपका डी नॉन जीरो है, मतलब अगर आपका ट्रिवियल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं दैट डिटर्मिनेंट मस्ट बी नॉन जीरो, एंड अगर इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है तो आपका डी मस्ट बी जीरो, डी मस्ट बी जीरो उस केस के अंदर। तो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो इसको अगर हम समराइज करें कि अगर सिस्टम नॉन होमोजीनियस है जिसमें राइट हैंड साइड नॉन जीरो है, तो तीन पॉसिबिलिटीज हैं, इधर इट विल हैव यूनिक सॉल्यूशन और इट विल हैव नो सॉल्यूशन और इट विल हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स में दी गई है लीनियर इक्वेशंस, और आपको ये बोला गया इट हैज मोर देन टू सॉल्यूशन, इट इट विल इंप्लाई इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो इनफिनिटली मेनी बोला जाए या मोर देन टू, टू टू और मोर देन टू, मोर देन वन सॉल्यूशन, तो उसका मतलब ये हो जाता है ऑटोमेटिकली इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। और कंडीशन फॉर दैट इज
यूजिंग क्रैमर रूल, यूनिक के लिए डी नॉन जीरो, नो सॉल्यूशन के लिए डी मस्ट बी जीरो, डी वन और डी टू और डी थ्री, इनमें से एटलीस्ट वन मस्ट बी नॉन जीरो, एंड फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन डी मस्ट बी जीरो एज वेल एज डी टी वन डी टू डी थ्री, ऑल ऑफ देम मस्ट बी जीरो। एंड अगर आपका होमोजीनियस सिस्टम है, अगर आपका होमोजीनियस सिस्टम है उस केस के अंदर दो ही पॉसिबिलिटी है, आइदर इट विल हैव यूनिक सॉल्यूशन, आल्सो टर्म्ड एज ट्रिवियल सॉल्यूशन, आल्सो नोन एज जीरो सॉल्यूशन, ओनली जीरो सॉल्यूशन, ओनली जीरो सॉल्यूशन, कंडीशन फॉर दैट इज डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, और उस केस में सॉल्यूशन क्या है, ओरिजिन ओनली, जीरो जीरो जीरो, एक्स इज जीरो, वाई इज जीरो, जेड इज जीरो, एंड अनदर पॉसिबिलिटी इज इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन ऑल्सो टर्म्ड एज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन जीरो सॉल्यूशन। होमोजीनियस सिस्टम कब होता है, जब आपका राइट हैंड साइड जीरो होती है, राइट हैंड साइड जीरो होती है, और उसकी कंडीशन क्या है, डी मस्ट बी जीरो, क्योंकि डी जीरो होते ही डी वन डी टू डी थ्री तो ऑलरेडी जीरो है, तो हेंस यू हैव इनफिनिटी वैल्यू। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है, नॉन ट्रिवियल में जीरो आ रहा है और ट्रिवियल में नॉन जीरो आ रहा है, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन में नॉन जीरो आ रहा है और नॉन ट्रिवियल में जीरो। तो इस पे अभी क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, जेईई में आए हुए हैं ऑलरेडी। नाउ मैट्रिसेस की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ऑल दो देयर इज नॉट फॉर, इसके अलावा भी बहुत सारी डेफिनेशन जो आपको पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर, लोअर ट्राइंगुलर एक्सेट्रा, बट जो मेजरली क्वेश्चन में यूज हो रही होती है वो मैंने हाईलाइट कर दी है। तो वन इज कॉल्ड ट्रेस, व्हाट इज ट्रेस, ट्रेस इज सम ऑफ द डायगनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब इट इज सिग्मा ए आई 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 वेरिंग फ्रॉम वन टू एन, ए वन वन प्लस ए टू टू प्लस ए थ्री थ्री इज कॉल्ड ट्रेस। अनदर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक अबाउट डायगनल, विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एंड द डेफिनेशन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो इसमें मैट्रिक्स कैसा दिखता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगनल कैन हैव एनी एलिमेंट्स, डायगनल कैन टेक एनी एलिमेंट्स, बट डायगनल के अबाउट अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ भी एक्स होगा सिमेट्रिकली, दैट इज ए आई जे इज सेम एज ए जी आई, आई जी एथ एलिमेंट ऑफ ए इज जे आई एथ एलिमेंट ऑफ ए, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एस एम, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एस एस एम, दैट मीन्स राइट इट इन शॉर्ट फॉर्म एस एस एम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड डेफिनेशन फॉर दैट इज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जी आई, माइनस ऑफ ए जी आई, और इसके अंडर मैट्रिक्स कैसा दिखता है, डायगनल मस्ट कंटेन ऑल जीरो एलिमेंट्स, ऑल डायगनल एलिमेंट मस्ट बी जीरो, ऑल डायगनल एलिमेंट मस्ट बी जीरो, और अगर यहाँ पे पोजिशन पे एक्स है तो यहाँ पे माइनस एक्स होगा, मतलब साइन चेंज होगा डायगनल के अबाउट, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जी आई। नेक्स्ट वी हैव डेफिनेशन ऑफ आइडमपोटेंट मैट्रिक्स, आइडमपोटेंट मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडमपोटेंट इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन वी हैव निलपोटेंट मैट्रिक्स, व्हेन अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी निलपोटेंट इफ देयर इज अ पावर ऑफ ए व्हिच मेक्स इट नल मैट्रिक्स, मतलब कोई अगर लेट्स से ए जीरो नहीं था, ए स्क्वायर भी जीरो नहीं था, लेटर ऑन ए क्यूब जीरो आ जाता है, और ऑब्वियसली अगर ए क्यूब जीरो आ गया तो उसके आगे वाली जितनी भी पावर्स है, ए टू द पावर फोर, ए टू द पावर फाइव, वो सब जीरो हो जाएंगे। तो अगर ए क्यूब जीरो आ जाता है तो वी कैन से इट्स अ निलपोटेंट मैट्रिक्स, तो कोई भी अगर ए की पावर हायर पावर जीरो हो जाती है तो उसके आगे वाली तो जीरो हो ही जाएंगी, एंड दैट इज कॉल्ड अ निलपोटेंट मैट्रिक्स। फर्दर वी हैव इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स इज सेड टू बी इन्वोल्यूटरी इफ ए स्क्वायर इज आई, इफ मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पे आई आ रहा है, एंड लास्टली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इट इज अ मैट्रिक्स, it's a square matrix when a into a transpose gives you r, that is a matrix is said to be orthogonal if multiplication of a by its transpose gives you identity matrix. These are some definitions. Now we have properties of transpose of a matrix.
some basic properties, that is transpose of transpose is matrix itself. Transpose is distributive over plus or minus, मतलब अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी पे ट्रांसपोज दिया हुआ है देन ट्रांसपोज डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इट विल बी ए प्लस बी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज. स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज कर रहे हो दैट विल बी के टाइम्स ए ट्रांसपोज. और अगर ए बी के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज कर रहे हो तो ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में लगेगा एंड दैट कैन बी एक्सटेंडेड टू एन नंबर ऑफ मैट्रिसेस. मतलब अगर ए इंटू बी इंटू सी का ट्रांसपोज कर रहे हो देन दैट विल बी सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, रिवर्स ऑर्डर में लगेगा. एंड अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो इन ट्रांसपोज और इनवर्स को आप इंटरचेंज कर सकते हैं. ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज का इनवर्स. दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज. सो लेट मी मूव ऑन टू फर्दर प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसमें से अगर मैं कुछ हाईलाइट करूं, दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज. एडजॉइंट ऑफ नल इज नल, एडजॉइंट ऑफ स्केलर इज स्केलर, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज एडजॉइंट ए होल ट्रांसपोज. दीज आर सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट जो मतलब आपके ज्यादातर क्वेश्चन क्वेश्चन में मतलब हिडन यूज हो रही होती है या यूज ही नहीं हो रही होती है. एज एन फर्दर जो मेन प्रॉपर्टीज है जॉइंट की जो आपको बिल्कुल टिप्स पे रखनी है, याद रखनी है, वो ये वाली है. एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए इज एडजॉइंट ए इंटू ए इंटू एडजॉइंट ए इज सेम एज एडजॉइंट ए इंटू ए इज सेम एज डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. फर्दर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ए टू द पावर एन माइनस वन where n denotes order of a. Over here, n denotes order of a. N is the order of a. Order of matrix A. Then we have property adjoint of adjoint A is determinant A to the power n minus 2 into A. मतलब अगर आपने adjoint लेके दोबारा उसका adjoint लिया तो आपको actually में adjoint find करने की जरूरत नहीं है. It is determinant A to the power n minus 2 को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए. मतलब अगर आपके पास लेट्स से ऑर्डर टू का है, ए इज ऑफ ऑर्डर टू, टू बाई टू का मैट्रिक्स है, तो उसका मतलब अगर एडजॉइंट लेके दोबारा एडजॉइंट लेना है तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज व्हाट डिटर्मिनेंट ए टू द पावर टू माइनस टू दैट इज वन, हेंस इट इज सिंपली ए. मतलब अगर ऑर्डर टू बाई टू का है तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट इज ए. तो इनफैक्ट हमारे पास जितने ज्यादातर क्वेश्चन है वो टू बाई टू के या थ्री बाई थ्री के ही है. तो टू बाई टू में तो एडजॉइंट अगर दो बार लिया जा रहा है तो मैट्रिक्स ए ही आ जाएगा. लेकिन अगर ए थ्री बाई थ्री का है, अगर ए थ्री बाई थ्री का है देन वॉट इज एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए विल बी डिटर्मिनेंट ए टू द पावर थ्री माइनस टू दैट इज वन इन टू मैट्रिक्स ए. मतलब अगर थ्री बाई थ्री का है आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट ए निकाल के उसको स्केलर की तरह ए से मल्टीप्लाई कर देना, आपका दो बार एडजॉइंट आ जाएगा. ओके एंड further this property is again an important one, that is determinant of adjoint a is determinant a to the power n minus 1 square. determinant of adjoint a is determinant a to the power n minus 1 whole square. मतलब इसमें नोट करने वाली बात यह है कि अगर आपने दो बार एडजॉइंट लिया है तो n माइनस वन की पावर में टू आ रहा है. मतलब ये अगर दो है तो ये दो आ रहा है और n क्या डिनोट करा ऑर्डर. तो अगेन मैं यहाँ पे अगर थ्री बाई थ्री के लिए भी ये प्रॉपर्टी लिख दूँ या टू बाई टू के लिए भी, तो अगर टू बाई टू के लिए लिखते हैं तो वॉट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, वॉट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, इट इज डिटर्मिनेंट ए टू द पावर टू माइनस वन दैट इज वन. हेंस अगर ए टू बाई टू का है, अगर मैट्रिक्स ए टू बाई टू का है तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा क्योंकि वो मैट्रिक्स ही वापस ए आ गया. बट अगर ए थ्री बाई थ्री का इन पर्टिकुलर, तो वट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट इज डिटर्मिनेंट ए टू द पावर थ्री माइनस वन का स्क्वायर दैट इज फोर, दैट इज फोर. तो दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए. तो अगर यहाँ पे एडजॉइंट के टाइम्स लिया गया, अगर एडजॉइंट आपने यहाँ पे adjoint of adjoint and so on so forth adjoint a, that
इज एडजॉइंट टेकन के टाइम्स, एडजॉइंट टेकन के टाइम्स, तो दैट विल बी डिटर्मिनेंट ए टू दी पर एन माइनस वन टू दी पर के, टू दी पर के। तो एनीवे अब जनरली दो से ज्यादा बार नहीं आता है, तो दो बार का रेगुलरली याद रखिए और एक सिंगल टाइम। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ए की पर एन माइनस वन, मतलब अगर ए 3 बाई 3 का है, अगर ए 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है, तो वॉट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, इट इज डिटर्मिनेंट ए टू दी पर 3 माइनस 1, दैट इज 2। अगर दो बार एडजॉइंट लिया तो 2 का स्क्वायर, 3 बार एडजॉइंट लिया 2 क्यूब, डिटर्मिनेंट ए टू दी पर 2 क्यूब। तो ये याद रखिए आप, और यूजिंग आपकी जो ये मेन प्रॉपर्टी थी, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इंटू आई, इसी प्रॉपर्टी की वजह से आपकी डेफिनेशन ऑफ इनवर्स भी आ गई, दैट इज ए इनवर्स इज गिवन बाय एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए इनवर्स इज गिवन बाय एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एंड ऑल्सो नोट ओवर हियर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एंड डेफिनेशन ऑफ ए इनवर्स इज 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट जो आपको बिल्कुल टिप्स पे रखनी है, और बेस्ड ऑन दिस यू हैव मैनी प्रॉब्लम्स जो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, या तो फॉर्मुला बेस्ड ही होती है, या मैट्रिक्स की मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन करना होता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस लगाना होता है, मतलब इसके अलावा ज़्यादा एक जो फिक्स क्वेश्चन है दैट इज फॉर योर साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो ये वाला टॉपिक था आपका, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आते। तो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट। नाउ दिस कम्स इन 7 जनवरी 2020, जो अभी मतलब जनवरी में पेपर हुआ था, 7 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें ये क्वेश्चन अपीयर किया था। नाउ दिस सेज अल्फा इज द रूट ऑफ, अल्फा इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, x² + x + 1 = 0। तो एज क्योंकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर कर चुके हो, तो आपको पता है कि एक्स अल्फा अगर इसका रूट है, तो एक्चुअली इसके जो रूट्स हैं वो क्या क्या है, या तो ओमेगा है या ओमेगा स्क्वेयर है, दीज आर दी रूट्स। हेंस अल्फा या तो ओमेगा है या ओमेगा स्क्वायर, तो विदाउट लॉस ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर दिस क्वेश्चन यू मे टेक अल्फा एज ओमेगा ओनली, लेट मी टेक अल्फा एज ओमेगा ओनली, हेंस यू हैव प्रॉपर्टी ओवर देयर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 = 0, और यू मे से 1 + अल्फा + अल्फा² 0 होगा, एज वेल एज ओमेगा क्यूब और अल्फा क्यूब, ये 1 होगा। तो यूजिंग दीज बेसिक नॉलेज ऑफ अल्फा और ओमेगा ओमेगा, तो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है अल्फा के थ्रू, अल्फा पैरामीटर के मतलब अल्फा पैरामीटर में, और आपको ए की पावर 31 निकालना है, ए टू दी पावर 31। तो ये एक रेगुलर सा क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको किसी मैट्रिक्स की हायर पावर निकालनी है। तो आपको हायर पावर निकालने के लिए व्हाट आर दी वेरियस आपके पास टूल्स क्या है, ए की कोई हायर पावर निकालनी है, तो एक तो है आपको उसका स्क्वेयर करके या क्यूब करके उसका पैटर्न ऑब्जर्व करो, क्योंकि तो आप अगर देखो तो ऑप्शन में भी अगर ए स्क्वेयर है या ए क्यूब है या ए है, तो इसका चांसेस ये है कि ये ए की पार दो आप स्क्वायर या क्यूब करोगे तो आपको एक पॉट पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद, लेट मी स्टार्ट एक ए स्क्वायर, थोड़े ए स्क्वायर पहले से 1/√3, वन 1/√3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर भी 1/3, हेंस 1 1 1, 1 α α² 1 α² α4, α^4 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1, 1 α α² 1 α² α^4। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज 1/3, पहला एलिमेंट आ जाएगा आपका 1 * 1 + 1 * 1 + 1 = 1, दैट इज 3। नेक्स्ट विल बी, अच्छा यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हियर कि अल्फा, ने अल्फा जो दिया हुआ था दैट वाज, इट इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा, मतलब वो इसका इस इक्वेशन का रूट था क्वाड्रेटिक का, जिसके रूट्स ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर है, अल्फा ओमेगा है, तो ओमेगा क्यूब 1 होने की वजह से यू कैन से अल्फा की पावर 4 विल बी अल्फा, अल्फा टू द पावर 4 इज अल्फा, तो यहाँ पे जो अल्फा टू द पावर 4 इन्वॉल्व है वो अल्फा है, तो वो उसको भी यूज करते हैं अभी। तो लेट अस फाइंड ए स्क्वायर, तो नेक्स्ट आ रहा है 1 + α + α² दैट इज 0, नेक्स्ट वन इज 1 + α² + α4 विच इज अल्फा, दिस इज अल्फा एंड 0, नेक्स्ट इज 1 + α + α² 0, दिस वन इज 1 + α² + α4 दैट इज अल्फा एंड अगेन 0, 1 + α³ + α³ दैट इज 1 + 1 + 1 = 3,
नेक्स्ट वन इज 1 + α² + α दैट इज 0, 1 + α³ + α6 दैट इज 3, नाउ दिस इज 1 + α⁴ हेंस अल्फा, एंड लास्ट वन इज दिस इनटू दिस 1 + α² + α⁴ दैट इज अल्फा, एंड लास्ट इज अल्फा स्क्वायर, हेंस इट इज 0. दैट सिंप्लीफाइज टू 1 0 0 0 0 1 एंड 0 1 0. तो गलती से इसको आइडेंटिटी मत मान लेना, मतलब वो मतलब ये आइडेंटिटी फॉर्मेट में, बट इट इज नॉट एन आइडेंटिटी, ये इसको ये बन गया. तो लेट अस फाइंड ए क्यूब ऑल्सो. एक बारी ए स्क्वायर तो बहुत सिंपल सा आ गया, 1 0 0 0 0 1 0 1 0 दैट इज ए क्यूब, दैट इज ए स्क्वायर टाइम. नाउ ए इज 1/√3, स्केलर था वो हमने फ्रंट पे लिया, और हियर इट इज 1 1 1 1 α α² 1 α² α, 1/√3. नाउ दिस इज 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 α² α 0 1 0 1 α 0 1 0 2 का स्क्वायर, ये आया आपका ए क्यूब. तो अगर आप इसमें ऑब्जर्व करें, इसको 0 0 1 0 0 1 स्क्वायर ए क्यूब जो आपका मैट्रिक्स फॉर्म हुआ, इज इट वन जीरो 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 वन जीरो जीरो एक्सेप्ट फर्स्ट थ्री तो सब सही रहा, देन 0 0 1 0 0 1 में आपका ये एलिमेंट आ गया अल्फा स्क्वायर, ये करेक्ट है अल्फा 0 0 1 0 1 0 0 1 0 अल्फा अल्फा स्क्वायर. मल्टीप्लाई करा मैट्रिक्स ए को, और मैट्रिक्स ए हमारा था, मैट्रिक्स ए वाज दिस ओनली अल्फा स्क्वायर अल्फा फोर अल्फा फोर को ने अल्फा किया. तो ऑब्जेक्टिव 1/√3 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 Let us take A4 will be A square square, that is 1 0 0 0 0 1 0 1 0 times 1 0 0 0 0 1 0 1 0. ये आ रहा था 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 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
A^31 कैन बी रिटन एज A^28 टाइम्स ए क्यूब,
because 8 will be 4 comes out to be identity, 8 will be 28 will be I. Hence, answer comes out to be a cube. आंसर कमजोर को भी ए क्यूब, तो ए क्यूब से कुछ नहीं मिला था आपको, ए को फोर से फाइनली आइडेंटिटी मिल रहा है, और ए टू फोर अगर आइडेंटिटी मिल रहा है तो ए टू को 31 कमजोर को भी ए क्यूब, दैट इज योर ऑप्शन टू। उसी शिफ्ट में यू हैव अ सेकंड क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन साइमल्टेनियस इक्वेशन। नाउ इट सेज इफ द सिस्टम ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस which is clearly a homogeneous system क्योंकि right hand side zero आ रही है, तो ए बी सी आर नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स एंड इट हैज नॉन जीरो सोल्यूशन। तो इट हैज नॉन जीरो सोल्यूशन मीन्स नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो ट्रिवियल सोल्यूशन कब आता है जब डिटर्मिनेंट वैनिश नहीं करता, तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब आएगा जब डिटर्मिनेंट वैनिश करेगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैनिश कर जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू टू ए टू 3bb 2 4cc दिस डिटरमिनेंट मस्ट वैनिश, ये जीरो होगा। और अब इसके थ्रू हम abc में रिलेशन लाते हैं, तो 2 फ्रॉम फर्स्ट कॉलम कॉमन एंड 2 रिमूव भी कर देते हैं क्योंकि जीरो राइट हैंड साइड जीरो है, और आई डोंट थिंक कुछ कॉमन आ रहा है। ओके लेट अस टेक आर थ्री गोज टू आर थ्री माइनस आर टू एंड आर टू गोज टू आर टू माइनस आर वन टू मेक दीज टू एलिमेंट एज जीरो। तो इन दो एलिमेंट्स को जीरो बनाते हैं पहले, तो इफ आर थ्री गोज टू आर थ्री माइनस आर टू दिस विल इम्प्लाई जीरो। नाउ दिस विल बी फोर फोर सी माइनस थ्री बी दिस विल बी सी माइनस बी, और लेट्स ओके दिस विल बी जीरो दिस इज 3b माइनस 2a b माइनस ए 1 2a a एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो लेट अस ओपन दिस, दिस विल बी 3b माइनस 2a टाइम्स c माइनस b माइनस 4c माइनस 3b टाइम्स b माइनस a इक्वल जीरो। नाउ दिस विल बी 3bc माइनस 3b स्क्वायर माइनस 2ac प्लस 2ab माइनस 4bc प्लस 4ac प्लस 4ac देन वी हैव प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर एंड फर्दर वी हैव माइनस 3ab इक्वल जीरो। दैट गिव्स यू माइनस BC माइनस BC ये कैंसिल हो गया, फिर इट इज 2ac एंड दिस इज योर माइनस AB इज इक्वल टू जीरो। दैट गिव्स यू C 2ac इज इक्वल टू B कॉमन A प्लस C, दैट इज B इज इक्वल टू 2ac ओवर A प्लस C, दैट सजेस्ट B इज हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड C, B is HM of A and C, that is अब हमें दिखाना क्या था कि हमें ABC में रिलेशन लाना था, तो आंसर विल बी 1 by A 1 by B 1 by C आर इन AP, because B is HM of ABC, hence we know that 1 by A 1 by B 1 by C आर इन AP। और अदरवाइज अगर ये प्रॉपर्टी ना भी लगाते जो मैंने लगाई कि R3 गोज टू R3 माइनस R2 और R2 गोज टू R2 माइनस R1, वो तो सिर्फ फर्स्ट टू एलिमेंट्स को जीरो बनाने के लिए था, अगर आप डायरेक्टली भी ओपन करते हैं तो शायद इजीली आ जाता डायरेक्ट ओपन करने के लिए। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, नाउ दिस इज फ्रॉम 7th जनवरी शिफ्ट टू इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, और अगेन प्रॉपर्टी बेस्ड है सिंपल, मतलब ए की एक मैट्रिक्स है ए आई जे, बी इज अ मैट्रिक्स बी आई जे, दोनों 3 by 3 के मैट्रिक्स हैं, और इसमें दिया हुआ है बी आई जे इक्वल टू 3 to the power i + j - 2 ए आई ए जे आई। तो ये ध्यान रखना कि ए जे आई है, मतलब तो आपको ऑर्डर भी मैटर करता है, यहाँ आई जे था यहाँ जे आई है। अच्छा, और फर्दर इट इज गिवन दैट डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 81, यू नीड टू फाइंड व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी दिया हुआ है और मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स बी से रिलेटेड इस इक्वेशन के थ्रू है, और मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो लेट अस कंप्यूट कि एक्चुअली में ए आई जे आएगा क्या,
कि व्हाट इज AIJ. तो व्हाट इज AIJ, कैन आई से इट विल बी. अच्छा, जब मैं AIJ लिख रहा हूँ तो मैंने J और I को इंटरचेंज कर दिया, तो बिकॉज दिस इक्वेशन होल्ड्स फॉर एवरी IJ, तो IJ को इंटरचेंज करके आप क्या लिखोगे, इट विल बी इक्वल टू 3 to the power, ये डिवीजन में आ जाएगा, इट विल बी 3 to the power 2 minus i minus j, और 2 minus j minus i, BJI. आई और जे इंटरचेंज कर दिए मैंने, आई और जे को इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ जे आई हो गया, यहाँ आई जे हो गया, और ये 3 to the power i plus j minus 2 डिवाइड में ले आया, इट कम्स आउट टू बी 3 to the power 2 minus a minus j, BJI AIJ के एलिमेंट हो गए. तो अब जरा ये मैट्रिक्स लिखते हैं कि मैट्रिक्स क्या आएगा. मैट्रिक्स ए, व्हाट इज A11 विल बी B11, A11 विल बी B11. व्हाट इज A12, A12 विल बी, मतलब जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे इस पोजीशन पे एलिमेंट आएगा, दैट विल बी 3 to the power 2 minus 1 minus 2. तो 2 minus 1 minus 2 विल बी 3 to the power minus 1, एंड इट विल बी B21. नेक्स्ट विल बी 3 to the power, दिस इज 1 3, दिस पोजिशन इज 1 3 पोजिशन, 3 to the power 2 minus 1 minus 3, 2 minus 1 1, 1 minus 3 minus 2, 3 to the power minus 2, B31, B31. आई होप यहां तक क्लियर है. मैं सिर्फ इस डेफिनेशन के अंदर मैं एलिमेंट्स कंप्यूट कर रहा हूँ, ए के एलिमेंट्स क्या आएंगे. नेक्स्ट विल बी, ये कौन सी क्वेश्चन होती है, नेक्स्ट दिस इज सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1, A21 विल बी 3 to the power 2 minus 2 minus 1, 2 minus 2 minus 1, तो 3 to the power 2 minus 2 minus 1 विल बी 3 to the power minus 1, B, यहाँ पे मैंने लिखा है 2 1, तो इट विल बी 1 2. I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, तो I की वैल्यू 2 है, J की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 2 आएगा. नेक्स्ट विल बी सिमिलरली 3 to the power minus 2, B 2 2, दिस विल बी 3 to the power minus 3, B, दिस इज 2 3 3 2. नेक्स्ट विल बी 3 to the power minus 2, B 1 3 3 1, 3 to the power minus 3, B 3 2 2 3 3 2 2 3, दिस इज 3 1 1 3 1 3 1 3 to the minus 4, B, दिस इज 3 3. तो हमने ए मैट्रिक्स फॉर्म किया यूजिंग मैट्रिक्स जो डेफिनेशन थी, ए आई जे जो आपने बी आई जे और ए आई जे ए जे आई का रिलेशन था उसके थ्रू हमने मैट्रिक्स ए फॉर्म कर लिया. तो अगर आप इसमें रियलाइज करो कि इसमें मैट्रिक्स जो बना है, इसमें जो बी के एलिमेंट्स थे वो ट्रांसपोज बैनर में लगे हुए हैं, मतलब B11 B12 B13 B21 B22 B23, एक्सेट्रा. तो अगर हम लेट से किसी भी कॉलम या किसी भी रो से डिटरमिनेंट वैल्यूएट करना शुरू करते हैं, तो लेट से अगर मैं ए का डिटरमिनेंट फर्स्ट कॉलम के थ्रू वैल्यूएट करता हूँ, तो देखना क्या आएगा, मेरे को डिटरमिनेंट ए निकालना था एज पर क्वेश्चन. इट विल बी B11 टू बी मल्टीप्लाइड बाय दिस एलिमेंट इनटू दिस एलिमेंट, दैट विल बी 3 to the power minus 6, इसमें 3 to the power minus 2 है, 3 to the power minus 4 है, 3 to the power minus 6, B22 B33, B22 B33 माइनस, नेक्स्ट विल बी 3 to the power minus 6 अगेन, B23 B32, B23 B32, नेक्स्ट विल बी माइनस 3 to the power minus 1, B12, 3 to the power minus 1, B12 टू बी मल्टीप्लाइड बाय इट्स कोफैक्टर. इसका कोफैक्टर क्या आ रहा है, इसका कोफैक्टर है 3 to the power minus 1 इंटू 3 to the power minus 4, 3 to the power minus 5, B21 B33, B21 B33 माइनस 3 to the power minus 5, B23 B31. सिमिलरली नेक्स्ट विल बी 3 to the power minus 2, B13 टू बी मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power minus 4, B21 B32, B21 B32 माइनस 3 to the power minus 4, B22 B31. ये आया आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए. तो इसमें एक जो चीज रियलाइज करने वाली वो ये है कि जो इसमें वेट लग गए थे एलिमेंट्स के साथ, मतलब जो 3 की पावर वेट में लग गई थी यहाँ पे, वो इवेंचुअली हर एक एलिमेंट 3 to the power minus 6 से मल्टीप्लाइड है, मतलब ये भी 3 to the power minus 6 आ जाएगा, ये भी 3 to the power minus 6,
यहाँ थ्री टू पावर माइनस वन बाहर है तो इनसाइड वेट आ रहा है थ्री टू पावर माइनस फाइव, वो मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा थ्री टू पावर माइनस सिक्स। तो ओवरऑल थ्री टू पावर माइनस सिक्स कॉमन आ गया, और अंदर जो एक्सप्रेशन बचा दैट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ बी, दैट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे को ऑलरेडी गिवन था 81, तो आंसर कम्स आउट टू बी 81 बाय 3 टू द पावर 6, दैट इज 3 टू द पावर 4 बाय 3 टू द पावर 6, हेंस इट इज 1 बाय 9, 1 बाय 3 स्क्वायर, 1 बाय 3 स्क्वायर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम साइमल्टेनियस इक्वेशंस। Now it says the given simultaneous equation. Now this is non-homogeneous because right hand side non-zero quantities are 6, 10, mu. It has more than two solutions. Non-homogeneous system has having non-homogeneous or homogeneous. जब भी ये कह रहा है simultaneous equation three variables में having more than two solutions, इसका मतलब automatically it will have infinitely many solutions. It will definitely have infinitely many solutions, क्योंकि आप 3D में पढ़ चुके हो कि ये तीनों planes हैं, तो planes में और दो ये दोनों planes intersecting planes भी है क्योंकि parallel नहीं है, तो ये तीनों planes एक line से pass कर रहे होंगे, तो जो solution आएगा वो इस type का है, एक line पे तीनों planes intersect कर रहे हैं, it will have infinitely many solutions। तो ये तो खैर geometrical aspect था, हमें फाइनली अलजेब्रिकली करते हैं इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन में केस कंडीशन कंडीशन क्या थी फॉर नॉन होमोजेनियस सिस्टम, डी इक्वल्स डी वन इक्वल्स डी टू इक्वल्स डी थ्री इक्वल्स जीरो, ऑल डी आई जीरो थे एज वेल एज डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी जीरो था। सो लेट्स फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, सो इट इज 1 1 1 1 2 3 3 2 लैम्डा, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 2 लैम्डा माइनस 6 माइनस लैम्डा माइनस 9 प्लस 2 माइनस 6 दैट इज 2 लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा माइनस 6 प्लस 9 3 3 माइनस 4 माइनस 1 और ये किसके इक्वल है 0 के, तो वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू 1। ओके नाउ डी वन डी टू डी थ्री तीनों ही जीरो है तो हम कोई भी एक निकाल सकते हैं, यूजली हम डी वन डी टू डी थ्री में से वो वाला निकालते हैं जो जिसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उसके एलिमेंट्स की वो मतलब उनके न्यूमेरिकल क्वांटिटीज कम हो लेस छोटी हो, दैट इज लेट्स से अगर मेरे को पता है कि मेरे को राइट हैंड साइड डी वन डी टू डी थ्री रिप्लेस करना है आइदर एक्स के पोजिशन के थ्रू मतलब जगह या वाई के या जेड की जगह, तो कहने से मैं जेड की जगह रिप्लेस कर देता हूँ या किसी की जगह पर रिप्लेस कर दो, मैं लेट्स से जेड की जगह रिप्लेस कर रहा हूँ, इट विल बी 1 1 3, हम डी थ्री कंप्यूट करते हैं 1 1 3, ये एक्स के पोजिशन इंटैक्ट, वाई के पोजिशन वॉज 1 2 2 और जेड के पोजिशन की जगह हमारे आ गए 6 10 म्यू, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अगर क्वेश्चन करेक्ट है हमें वो करेक्शंस तो देखनी नहीं है अभी, क्वेश्चन अगर करेक्ट है तो आप डी जो डी आईज है वो किसी भी कॉलम में रिप्लेस करके जो म्यू निकालोगे सेम ही आना चाहिए, अदरवाइज तो क्वेश्चन ही इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब इट मस्ट हैव फॉर मोर देन टू सॉल्यूशन इट मस्ट बी सारे डी आई जीरो होंगे। तो अब ये निकालते हैं तो ये आ रहा है आपका 1 into 2 mu minus 10 2 mu minus 20 माइनस म्यू माइनस 30 प्लस 6 into 2 minus 6 माइनस 4 मस्ट बी 0, तो दैट कम्स आउट टू बी म्यू माइनस 20 प्लस 30 10 10 माइनस 24 10 माइनस 24 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, म्यू कम्स आउट टू बी 14, तो हमें निकालना क्या था 14 माइनस 1 इट कम्स आउट टू बी 30। तो फॉर दिस क्वेश्चन यू हैव आंसर की एस 13। लेट मी चेक, ओके नाउ
Now this is for again system of equations. Now this time it is a non-homogeneous again, and this given system of equation is inconsistent. तो सारे एक एक वेरिएंट तो आ ही जाएंगे, सब सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. तो नाउ इट हैज नो सॉल्यूशन. नाउ फॉर दिस टू हैव नो सॉल्यूशन, व्हाट इज द कंडीशन फॉर नॉन होमोजेनियस सिस्टम टू हैव नो सॉल्यूशन? डी मस्ट बी जीरो. तो आइदर डी वन और डी टू और डी थ्री मस्ट बी नॉट इक्वल टू जीरो. तो डी तो एनी वे स्टैटिक है, मतलब डी आपका म्यू और डेल्टा पे बेस्ड ही नहीं है, मतलब तो आपका जो डी है वो तो फिर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 3 3 4 5 4 4 4 का डिटरमिनेंट है, तो वो वेरीफाई नहीं कर रहे कि वेदर वो जीरो ही होगा, अदरवाइज अगेन क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो फॉर इनकंसिस्टेंट डी मस्ट बी जीरो, और डी वन और डी टू और डी थ्री मस्ट बी नॉन जीरो. तो लेट अस फाइंड अगेन, लेट्स से लेट मी फाइंड डी थ्री ओनली. इट इज 1 2, हम जेड के कोएफिशिएंट की जगह ये राइट हैंड वाला एलिमेंट्स डाल देते हैं. इट इज 1 1 2 1 3 4 म्यू एंड 4 4 delta. We must have this must not be equal to 0. As per के d1 भी d2 भी तीनों ही 0 नहीं होंगे. तो मैंने d3 निकाला, तो ये d3 निकालते हैं. तो ये कितना आ रहा है आपका, 1 into 4 delta minus 4 mu, 4 delta minus 4 mu. In fact हम ये 2 reduce कर सकते हैं, क्योंकि second column में सब में 2 है, तो आप 4 2 common ले सकते हो. तो अभी चलो ऐसे ही evaluate कर लेते हैं. तो 1 into 4 delta minus 4 mu माइनस टू टाइम्स थ्री डेल्टा माइनस फोर म्यू, थ्री डेल्टा माइनस फोर म्यू प्लस 12 माइनस 16 माइनस फोर मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो. कम्स आउट टू बी 4 डेल्टा माइनस फोर म्यू माइनस 6 डेल्टा प्लस 8 म्यू माइनस फोर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. कम्स आउट टू बी माइनस 2 डेल्टा प्लस 4 mu minus 2 delta plus 4 mu should not be equal to 4. That is what we are getting, relationship between delta and mu. We are getting 2 mu minus delta must not be equal to 2. 2 mu minus delta must not be equal to 2. तो अभी बस आपको ये वेरीफाई करना कि म्यू और डेल्टा में ये रिलेशन किसमें वेरीफाई नहीं हो रहा ऑप्शन में से. तो फर्स्ट ऑप्शन सेज इफ म्यू, इट इज म्यू डेल्टा पेयर, ऑर्डर्ड पेयर है, म्यू पहले है डेल्टा बाद में. तो म्यू इज 1 डेल्टा इज 0 इन फर्स्ट ऑप्शन. म्यू अगर 1 है डेल्टा 0 है, तो फर्स्ट ऑप्शन में 2 म्यू माइनस डेल्टा 0 आ रहा है, मतलब डी थ्री 0 आ रहा है, डी थ्री आपका 0 आ रहा है, ठीक है. सिमिलरली इन सेकेंड ऑप्शन 2 इंटू 4 8 माइनस 3 नॉन जीरो. थर्ड ऑप्शन 2 4 8 माइनस 6 इट इज 0, इट इज 2. एंड फोर्थ ऑप्शन इज 6 माइनस 4 2. तो इन तीनों में ही आपका 0 आ रहा है. तो लेकिन इसमें ये मैंने कर रखा था, इसलिए मैंने डी थ्री कंप्यूट किया. तो आपको डी वन और डी टू भी निकाल के देखना पड़ेगा. आंसर फॉर दिस विल बी 2, बिकॉज T3 is non-zero. But it is not necessary कि D3 ही खाली जीरो ना हो. क्या पता D3 जीरो हो, D1 और D2 जीरो ना हो. तो आपको वेरीफाई तो D1 D2 निकाल के भी करना पड़ेगा. तो आपका D1 D2 आ जाएंगे इस केस के अंदर. D1 एक बार और, तो D1 आएगा 1 mu delta 2 3 4 5 and 4 4. तो ये आपका आ रहा है 16 माइनस 20 माइनस 4 माइनस 2 टाइम्स 4 म्यू माइनस 5 डेल्टा एंड 3 टाइम्स 4 म्यू माइनस 4 डेल्टा शुड नॉट बी इफ d1 इज नॉन जीरो. तो लेट्स से c1 इज नॉन जीरो, तो ये आ रहा है, तो आपका आ रहा है माइनस 4 माइनस 8 म्यू प्लस 10 डेल्टा प्लस 12 म्यू एंड माइनस 12 डेल्टा शुड नॉट बी जीरो. एंड दैट इज 4 म्यू, 4 म्यू एंड माइनस 2 डेल्टा शुड नॉट बी 4. दैट इज 2 म्यू माइनस डेल्टा शुड नॉट बी इक्वल टू 4. दैट इज द सेम रिलेशन जो हमने
डी थ्री में आया था वही रिलेशन आपका डी वन में भी आ गया। तो ये आपको मतलब डी वन और डी टू और डी थ्री में से कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो फॉर दिस आंसर विल बी बी। दिस इज फ्रॉम 8th जनवरी शिफ्ट वन मॉर्निंग शिफ्ट। नाउ इट सेज नंबर ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस ए विद द एंट्रीज फ्रॉम द सेट -1 0 और 1, मतलब जो एंट्रीज है वो या तो 1 है या 0 है या -1 है। और वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए सच दैट सम ऑफ द डायगनल एलिमेंट्स, तो सम ऑफ द डायगनल एलिमेंट को आप ट्रेस भी कह सकते थे कि ट्रेस ऑफ ए ए ट्रांसपोज इज 3, ट्रेस ऑफ ए ए ट्रांसपोज इज 3। तो क्योंकि इन जनरल एज सच कोई रिजल्ट नहीं है ट्रेस ऑफ ए ए ट्रांसपोज का, तो लेट्स फाइंड ट्रेस ऑफ ए ए ट्रांसपोज क्या आएगा फॉर एनी जनरल 3x3 मैट्रिक्स ए। तो अगर एक ए मैट्रिक्स ले A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और उसको प्रोडक्ट कर दें ए ट्रांसपोज से, दैट इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। और लेट अस फाइंड दिस, और इसमें हमारा फोक ये ए है, ये ए ट्रांसपोज, और हमने प्रोडक्ट कर दिया ए इंटू ए ट्रांसपोज का। तो अगर हमारा ए ट्रेस में है तो हमारा हमें सिर्फ एलिमेंट निकालने डायगनल एलिमेंट्स। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा आपका A11² प्लस A12² प्लस A13² टू टू पोजिशन का एलिमेंट आएगा आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई, इट विल बी A21² A22² A23² एंड लास्टली इट विल बी A31² A32² A33² ये आ गया आपका। और व्हाट इज ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज कम्स आउट टू बी, ट्रेस ऑफ ए ए ट्रांसपोज कम्स आउट टू बी सम ऑफ दीज एलिमेंट, दैट इज A11² प्लस A12² प्लस A13² प्लस A21² A22² A33² A31², दैट इज सिग्मा समेशन AIJ² आ गया। आई वेरी फ्रॉम 1 टू 3, जे वेरी फ्रॉम 1 टू 3। तो अब आगे के लिए ये एज अ रिजल्ट आप याद भी रखें, मतलब कि दोबारा कैलकुलेशन ना करने पे कि ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है, इट इज नथिंग बट सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। तो क्योंकि हमने कोई मैट्रिक्स पर्टिकुलर तो लिया नहीं, जनरल मैट्रिक्स दिया A11, A12, A13, तो आप इसको एज अ रिजल्ट याद भी रख सकते हो कि ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज कम्स आउट टू बी सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ ऑल ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए। तो वो क्या दिया हुआ है एज पर दिस क्वेश्चन, इट सेज ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज 3, वेयर एज एंट्रीज कम्स फ्रॉम दिस सेट, एंट्रीज कम्स फ्रॉम आइदर 1 और 0 और -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर A11² से लेके A33² का सम 3 आ रहा है तो इनमें से कोई तीन पर्टिकुलर एंट्रीज या 1 होगी या -1 होगी, या 1 होगी, मतलब आउट ऑफ दीज 9 एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, जो 9 एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए हैं इनमें से कोई 3 एंट्रीज या तो 1 होगी या -1 होगी, क्योंकि तभी जाके हमारा जो ये सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ 3 ऑल 9 एलिमेंट्स 3 आएगा। मतलब तो हेंस वी मस्ट फर्स्ट, लेट्स से अगर बाय चांस ये 1 है रैंडमली टेकिंग, लेट्स से दिस इज 1 एंड लेट मी टेक दिस एज -1। अगर ये 1 है, ये 1 है आपका, ये 1 है, ये 1 है और ये -1 है, ये -1 है, तो उस केस के अंदर और बाकी सारे जीरोज है, बाकी सारे जीरो है, तो क्या मेरा सम ऑफ स्क्वेयर्स 3 आ जाएगा? यस। अगर इनमें से कोई और फर्दर 1 होगा तो सम ऑफ स्क्वेयर्स 4 आ जाएगा इन दैट केस। तो अब मेरे पास चॉइस क्या रहेगी, मुझे 9 एलिमेंट्स में से कोई 3 एलिमेंट चूज करने हैं। तो अब ये थोड़ा सा इसमें बेसिक पीएनसी लग रहा है कि फर्स्ट सेलेक्ट 3 एलिमेंट्स फ्रॉम दीज 9 एलिमेंट्स, ठीक है, वो पोजीशन सेलेक्ट कर ली जहां पे 1 या -1 आना है। तो लेट्स से वो रेंडमली चोजन 3 प्लेसेस ये हैं, एनी थ्री हो सकती थी, वो ये 3 है जो मैंने रेड मार्क करी है, और अब इस प्लेस पे फिल करने के लिए या तो 1 आएगा या -1 आएगा, क्योंकि क्योंकि 1 हो या -1 हो स्क्वायर 1 हो जाएगा उस केस में। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन टू वेज, नेक्स्ट चोजन प्लेस विल बी फिल्ड इन अगेन टू वेज, एंड थर्ड चोजन प्लेस विल बी अगेन फिल्ड इन टू वेज, एंड रिमेनिंग अनचोजन प्लेसेस, दैट इज वो जो 6 बची हुई है 6 प्लेसेस,
उन 6 प्लेसेस पे सिक्स है, 0 ही आएगा, तो वो सारी होगी 1, 2, 3, 4, 6, हर प्लेस के लिए 1 चॉइस। तो योर आंसर इज 9C3 × 2Q। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इट विल बी 9 × 8 × 7/6। ओके, नाउ दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज फ्रॉम 8 जनवरी, अगेन शिफ्ट टू, अगेन सिंपल 2x2 के मैट्रिक्स बेस्ड प्रीवियस क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रखा है, ए एक मैट्रिक्स है 2x2 का, 2294, ए इज 2294, और आई इज यूजुअल 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड यू नीड टू फाइंड टेन ए इनवर्स बट इन टर्म्स ऑफ ए एंड आई, बट इन टर्म्स ऑफ ए एंड आई। तो वन वे ऑफ गोइंग इज कि आप ए इनवर्स निकाल लीजिए, तो हम 2x2 का ए इनवर्स हम लर्न करा देते हैं, ऑल दो डेफिनेशन से आ रहा है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, बट हम उसको लर्न करने के लिए बोलते हैं कि डायगनल एलिमेंट इंटरचेंज करो, दैट इज 4 2, नॉन डायगनल एलिमेंट के साइन चेंज कर दो, तो इट इज -9 -2 एंड 1/डिटर्मिनेंट, दैट इज कमिंग अप टू बी 1/8 -18, 1/8 -18, तो दैट कम्स आउट टू बी 1/10 -1/10 एंड इट इज 4 2 -9 2, दैट इज 10A इनवर्स, 10A इनवर्स कम्स आउट टू बी मैट्रिक्स -4 -2, 9 -2, 10A इनवर्स कम्स आउट टू बी -4 -2, 9 -2, ये आपका 10A इनवर्स का मैट्रिक्स आ गया। एंड हमें बस अब इसमें ऑप्शन पिक करनी है कि कौन सी ऑप्शन ये बनेगी, तो ए और आई के टर्म में एक्सप्रेस करना है, ए और आई के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो एक तरीका तो ये कि आप सारी ऑप्शन आप वेरीफाई कीजिए कि कौन सी ऑप्शन ये बना देगी। तो अगर मैं 6i - a की बात करूँ तो इट विल बी 6 -2 4, तो ये नहीं है, इट विल बी a - 4i, 2 - 4, नो ये नहीं है, मैं सिर्फ पहला एलिमेंट अगर वेरीफाई कर रहा हूँ, 4i = 4 - 2, अगेन ये भी नहीं है, और a - 6i, a - 6i आ जाएगा 2 - 6 - 4, देन 2 - 2, हिंस इट इज +2 के, तो 2, ये 2 ही आ जाएगा, ठीक है। नाउ इट विल बी 9 माइनस, दिस इज 9 एंड दिस एलिमेंट विल बी, दिस एलिमेंट इज योर 4 - 6 - 2, दिस इज द करेक्ट चॉइस, दिस इज द करेक्ट चॉइस। अल्टरनेट वे ऑफ लुकिंग एट इट इज कि एक जो हम पर्टिकुलर एडवांस लेवल पे हम करते हैं कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू अगर कर रहे हो तो आप 2x2 मैट्रिक्स ए, अगर आपका है ABCD, मैट्रिक्स ए इज ABCD, तो आप इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लर्न रखिए जो हर एक मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो फॉर 2x2 मैट्रिक्स करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय a² - सम ऑफ द डायगनल एलिमेंट्स a + d a + डिटरमिनेंट ऑफ a, दैट इज ad - bc, ad - bc * आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू 0। अगर इसके थ्रू करते हैं तो कोई भी मैट्रिक्स, जनरल मैट्रिक्स 2x2 का इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, मतलब 2x2 का मैट्रिक्स। तो अगर हमारा ए ये था तो एज सच ए विल सेटिस्फाई a² - trace, दैट इज डायगनल एलिमेंट्स का सम, वो कितना आ रहा है आपका 2 + 4 6 a + डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज कमिंग आउट टू बी 8 - 18, 8 - 18 इज -10 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू 0। तो दैट इज a² - 6a - 10i इज इक्वल टू 0। और अब अगर आप इस इक्वेशन को ए इनवर्स से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हो
इट विल बी ए माइनस सिक्स आई माइनस 10 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0, एंड दैट डायरेक्टली इम्प्लाइज 10 ए इनवर्स कम्स आउट टू बी ए माइनस 6 आई। बाय मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने पे इस इक्वेशन को, प्रैक्टिस इक्वेशन को, विल गेट दिस रिलेशन एंड दैट गिव्स यू द डायरेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन। तो 2 by 2 था, तो आप ऑब्वियसली इस तरीके से कर ही सकते थे, ए इनवर्स निकाल के ऑप्शन से देख लो कौन सी ऑप्शन ए माइनस सिक्स, मतलब आपका जो एक्सप्रेस जो 10 A इनवर्स पूछा गया था वो मैट्रिक्स कौन सी ऑप्शन वेरीफाई हो रही है कि कौन सा ए माइनस सिक्स आई आ रहा है 10 A इनवर्स के इक्वल, या फिर आप प्रैक्टिस इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए के थ्रू जा सकते हैं। अगेन फ्रॉम द सेम शिफ्ट यू हैव साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर क्वेश्चन। अब हम लेट्स से इसके सिर्फ कंडीशन लिख देते हैं कि इसकी कंडीशन क्या क्या आएंगी ताकि आपको बिल्कुल टिप्स पे हो जाए। तो कंडीशन क्या आएंगी फॉर दिस सिस्टम, इट इज अ नॉन होमोजेनियस सिस्टम, पहली चीज, राइट हैंड साइड नॉन जीरो क्वान्टिटीज है, और अब सिस्टम का ओके ऑप्शन ही वेरीफाई करनी है कि नो सोल्यूशन, इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन किस केस के अंदर है, या यूनिक सोल्यूशन। तो वो आपको पता ही है कि फॉर लेट्स यूनिक सॉल्यूशन वी मस्ट हैव डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ऑप्शन मैट्रिक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आप निकालेंगे तो इट विल बी डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा 2 2, 2 लैम्डा 3 5, 4 लैम्डा 6। तो इट इज कमिंग आउट टू बी लैम्डा टाइम्स 18 माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 टाइम्स 12 लैम्डा माइनस 20 प्लस 2 टाइम्स 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 12। तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 18 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 24 लैम्डा प्लस 40 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर एंड माइनस 24। तो आपका आ रहा है माइनस लैम्डा स्क्वायर, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज कमिंग आउट टू बी माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा एंड प्लस 16। तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो इट इज लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 16, और इसके फैक्टराइज हो रहे हैं लैम्डा प्लस 8 एंड लैम्डा माइनस 2। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 तब नहीं होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 0 जब नहीं होगा तो लैम्डा ना माइनस 8 होगा ना 2 होगा, अदर देन माइनस 8 और 2 जो भी वैल्यू लैम्डा लेगा तब यूनिक सोल्यूशन होगा। तो ये कह रहा था यूनिक सोल्यूशन में लैम्डा इज माइनस 8, तो फॉल्स फॉल्स, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन तब आएगा तब लैम्डा माइनस 8 या 2 में से कोई नहीं होगा। अच्छा, फर्दर जो ये कह रहा है ओके नो सॉल्यूशन पर लैम्डा इज 8 फॉल्स अगेन, क्योंकि अगर लैम्डा 8 है दैट इज अदर देन माइनस 8 और 2 तो वो यूनिक सॉल्यूशन का केस है, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 8 इज द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, तो 3 इज आल्सो फॉल्स। फाइनली हमें जज करना है ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन, जिसमें वो कह रहा है लैम्डा 2 है, तो लैम्डा 2 है तो डिटरमिनेंट डेफिनेटली 0 होगा, तो लैम्डा अगर 2 है तो डिटरमिनेंट 0 होगा। तो अब मुझे बस ये वेरीफाई करना है कि आइदर ऑफ D1 और D2 और D3 में से कौन सा 0 नहीं आ रहा, मतलब अगर सारे 0 आ रहे हैं वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, और एटलीस्ट एक 0 नहीं आ रहा तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा फाइनली। तो लैम्डा को 2 लेके आपको D1 D2 D3 में से एक कंप्यूट करना, तो अगर लैम्डा 2 लेते हो तो आपके जो कोएफिशिएंट होंगे, पहले आपके कोएफिशिएंट हो जाएंगे 2 4 4 2 3 2, लैम्डा अगर 2 लेते हो, और D1 D2 D3 है आपका 5 8 10, मतलब ये जो राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स है वो है 5 8 10। तो अगर हम पहले में ही डाल दें 5 8 10, 5 8 10 फर्स्ट कॉलम की पोजीशन पे, और 2 3 2 और 2 5 6, तो आपको D1 या D2 या D3 में से एक कंप्यूट करना है कि कौन सी क्वांटिटी 0 नहीं आ रही, ठीक है। तो मैं खाली अभी पहले D1 निकाल रहा हूँ, तो D1 कम्स आउट की 5 टाइम्स 18 माइनस 10 8 माइनस 2 टाइम्स 48 माइनस 50 माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स 16 माइनस 30 माइनस 14, इट इज 40 प्लस 44 माइनस 28, तो इट इज नॉन जीरो, दैट इज इट इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन, इट इज द केस ऑफ नो सॉल्यूशन। अगर D1 बाई चांस 0 आया तो D2 और D3 पे भी जाना पड़ता है।
ओके, तो दिस इज फ्रॉम 9 जनवरी टू शिफ्ट वन। इट सेज अगेन साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है, और इट सेज द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग थ्री प्लेन्स इज अ लाइन। तो वो ये वही वाली बात हो गई कि ये तीनों प्लेन एक लाइन पे बीट करने का मतलब क्या है, इट हैज इंफिनिटली मेनी सोल्यूशन। इट हैज, ये तीन प्लेन अगर एक लाइन से पास कर रहे हैं, फैमिली ऑफ प्लेन्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो ये तीनों प्लेन एक लाइन से पास करने का मतलब ये भी है कि ये इंफिनिटली मेनी सोल्यूशन का केस है। तो आपको क्या कंडीशन लगानी है कि डी मस्ट बी जीरो, डी मस्ट बी जीरो। तो डी जीरो करने पे आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि एक अल्फा इसमें अननोन है, डी कंप्यूट करते वक्त डी जीरो है। सिमिलरली डी वन और डी टू, डी वन एज वेल एज डी टू एज वेल एज डी थ्री ऑल मस्ट बी जीरो। तो डी वन में आप 1 बीटा 5 को फर्स्ट कॉलम की जगह रिप्लेस करेंगे, और बाकी सब में अल्फा की वैल्यू तब तक मिल ही चुकी थी। तो इसको जीरो करने पे आइदर डी वन या डी टू या डी थ्री इनमें से किसी एक को भी जीरो करने पे आपको बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और डी को जीरो करने पे यू गेट अल्फा, वैल्यू ऑफ अल्फा। तो ये आप अपने आप कंप्लीट कीजिए। मैं इसको यहाँ पे इसको बस आपको सिंपली अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के अल्फा प्लस बीटा निकालना था, तो इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस फ्रॉम 9 जनवरी शिफ्ट वन। इट इज फ्रॉम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। नाउ मैट्रिक्स ए आपका फिक्स दिया हुआ है 3x3 का, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए, एंड मैट्रिक्स सी इज गिवन टू बी 3A, एंड यू नीड टू फाइंड व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो सीधा एडजॉइंट बी या निकाले बगैर अगर हम पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज कौन कौन सी लग सकती है यहाँ पे, तो व्हाट इज न्यूमरेटर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी, व्हाट इज बी, इट इज एडजॉइंट ऑफ ए बाय। मैंने पहले बी की जो डेफिनेशन थी, बी एडजॉइंट ए था, वो यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पर रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली सी इज 3A, तो डिनोमिनेटर इज डिटर्मिनेंट ऑफ 3A, डिटर्मिनेंट ऑफ 3A। हाँ ओके, अब ना हमारे पास आई प्रॉपर्टीज है, कौन कौन सी दो बेसिक प्रॉपर्टी लग रही है। एक तो ये प्रॉपर्टी कि एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर। तो n क्या है यहाँ पे 3, तो इट इज डिटर्मिनेंट ए की पावर 4। तो न्यूमरेटर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ए टू दी पावर 4 बाय। एक प्रॉपर्टी क्या लग रही है डिनोमिनेटर में, डिटर्मिनेंट ऑफ के, व्हाट वाज डिटर्मिनेंट ऑफ के, इट वाज के टू दी पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ओवर ए n 3A। तो नीचे आ जाएगा 3³ इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हेंस इट सिंपलीफाइज टू डिटर्मिनेंट ए बाय 3³, डिटर्मिनेंट ए क्यूब बाय 3³ और डिटर्मिनेंट ए बाय 3³। अब सिर्फ कैलकुलेशन रहेगी डिटर्मिनेंट ए की, तो डिटर्मिनेंट ए अगर हम फटाफट कैलकुलेट कर लें तो डिटर्मिनेंट ए कम्स आउट टू बी 1 × 9 प्लस 4 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1 एंड प्लस 2 टाइम्स कोफैक्टर ऑफ 2 कम्स आउट टू बी माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4। तो दैट इज कम्स आउट टू बी 30 प्लस 1 माइनस 8 एंड दैट इज 40 माइनस 8 इज 6, डिटर्मिनेंट ए कम्स आउट टू बी 6, 6/3 इज 2 हेंस आंसर मस्ट बी 8, आंसर मस्ट बी 8, दैट इज ऑप्शन 4। दिस इज फ्रॉम 9 जनवरी शिफ्ट टू। इट इज सिंपली बेस्ड ऑन वैल्यूएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। एफ एक्स आपको जो पॉलीनोमियल फॉर्म में दिया हुआ है उसमें एक्स की वैल्यू आपको ऑप्शन में 50 या -50 पुट करके वैल्यूएट करना है। तो इंस्टेड ऑफ एक्स की वैल्यू इनिशियली पुट किया जाए 50 या -50, पहले हम डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करने के लिए ऊपर एबीसी में एक रिलेशन दिया हुआ है, दैट इज ए माइनस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इस रिलेशनशिप को देखें, ए बी सी में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप क्या है, ए में से 2b सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, सी ऐड किया हुआ है। तो अगर हम देखें ये ऑपरेशन, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ये एक्सप्रेशन कब ऑप्टेन होगा कि अगर हम देखें इस ए में से 2b सब्ट्रैक्ट करना है और सी ऐड करना है, तो आई मस्ट स्टार्ट विद कि रो वन गोज अंडर ऑपरेशन रो वन माइनस 2 रो 2 प्लस रो 3। और ये जो ऑपरेशन किया है वो इस एक्सप्रेशन को देखते हुए किया है कि रो वन में से डबल ऑफ रो टू सब्ट्रैक्ट करने पे क्या होगा, ए में से 2b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और रो 3 ऐड करने पे सी उसमें ऐड हो जाएगा। तो
लेट्स ऑपरेट दिस ऑन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो वन। तो पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा? पहला एलिमेंट आ जाएगा, पहला एलिमेंट पे एक्स में क्या बिहेवियर होगा? एक्स माइनस टू एक्स प्लस एक्स और ए माइनस टू बी प्लस सी। तो ए माइनस टू बी प्लस सी हो गया वन और एक्स माइनस टू एक्स प्लस एक्स जीरो हो गया। हेंस इस ऑपरेशन के थ्रू एक्स तो तीनों में ही कैंसिल हो जाएगा, तीनों फर्स्ट एलिमेंट में तीनों में एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और सेकेंड एलिमेंट आ गया आपका टू प्लस फोर सिक्स माइनस थ्री टू सिक्स जीरो ओवर इट इज वन प्लस थ्री फोर माइनस टू इंटू टू फोर जीरो। हेयर इट इज एक्स प्लस बी एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सी एक्स प्लस फोर एक्स प्लस थ्री। तो अंडर दिस ऑपरेशन आपकी फर्स्ट रो में 100 आ गया। तो अब तो आसान है बहुत, अब सीधा वैल्यूएट कर लेते हैं। इट विल बी सिंपली एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर टाइम्स एक्स प्लस टू। तो इट कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन और बाई चांस ये एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स इसमें भी आ रहा है तो कैंसिल हो गया माइनस एट। इट कम्स आउट टू बी वन। हेंस इट इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, फंक्शन एफ एक्स कॉन्स्टेंट है। एफ एक्स की वैल्यू फॉर एवरी एक्स इट इज वन, हेंस फॉर 50 और माइनस 50 इट हैज टू बी वन। तो ऑप्शन इज फोर। ओके तो एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि अगर आप हायर कॉन्सेप्ट के थ्रू जाओ, क्योंकि अब मेरे को पता चल गया कि एफ एक्स कॉन्स्टेंट आ रहा है तो इंस्टेड ऑफ इवेल्युएटिंग एफ एक्स यू में कंप्यूट एफ डैश एक्स, यू में कंप्यूट एफ डैश एक्स। तो अगर एफ डैश एक्स प्रॉपर्टी क्या लगती है, डिटर्मिनेंट्स में, डिटर्मिनेंट में डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? एक बारी में एक रो या एक कॉलम डेरिवेटिव होता है, डिफरेंशिएट होता है। तो मतलब अगर मैं पहली रो को डिफरेंशिएट करूं, सेकंड रो थर्ड रो इंटैक्ट रखूं, सिमिलरली प्लस सेकंड रो को डेरिवेटिव करूं, फर्स्ट थर्ड इंटैक्ट रखूं, प्लस फर्स्ट एंड सेकंड इंटैक्ट रख के थर्ड को डिफरेंशिएट करूं, तो एनीवे ये लंबा ही जाएगा इस तरीके से। तो बट एफ डैश एक्स उस केस में जीरो आना चाहिए डेफिनेटली। दैट इज अनदर अप्रोच। For 13th, again it is from 9th January shift to simultaneous equation, but this time it is a homogeneous system. And homogeneous system में हमें क्या निकालना है? Okay, हमें options के थ्रू वेरीफाई करना है कि whether it has infinitely many solution under this condition, or it has no solution, or it has non-trivial, only the trivial solution. तो पहला केस तो एनीवे आपको इसमें तो आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट ही निकालना है। मतलब ये तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन हो गया कि आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट कंप्यूट करना है बी 7 6 -2, और कोई पैरामीटर नहीं है, मतलब कोई लैम्डा म्यू नहीं है जो आपको अननोन हो। इसमें सिर्फ आपको डी निकालना है 7 6 -2 3 4 2 1 -2 -6। ये सिंपल डिटर्मिनेंट निकालना है और अगर ये जीरो आ जाता है तो इट हैज इंफिनिटली मेनी सोल्यूशन, और अगर नॉन जीरो आ जाता है तो इट हैज ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन वैल्यू। तो ये आप कंप्लीट कीजिए अपने आप। ओके नाउ दिस इज अगेन बेस्ड ऑन हायर पावरों के मैट्रिक्स से, और मैट्रिक्स भी आपको दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कोसाइन अल्फा, और मैट्रिक्स ये कि 32 पावर की एक्सप्रेशन दिया हुआ और एंगल अल्फा कंप्यूट करना है। तो मैट्रिक्स ए की 32 पावर के लिए अगेन लेट्स कंप्यूट पहले ए स्क्वायर और पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं क्या बन रहा है। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा व्हेन मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये क्या आ रहा है? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस टू अल्फा। नेक्स्ट यू हैव माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, दैट इज माइनस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन टू अल्फा। थर्ड एलिमेंट कम्स आउट टू बी साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन टू अल्फा, एंड फोर्थ एलिमेंट कम्स आउट टू बी माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इज कोसाइन टू अल्फा। ये ए स्क्वायर आया। तो एस सच अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट एस सच ये लग रहा है कि ये अल्फा था ए में, अगले में ए स्क्वायर में टू अल्फा हो गया, बाकी एलिमेंट्स वही है और साइंस भी उसी ऑर्डर में है। मतलब अब ए क्यूब से जजमेंट लेते हैं, ए क्यूब आएगा आपका ए स्क्वायर इंटू ए कॉस टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा साइन टू अल्फा और साइन टू अल्फा टू बी मल्टीप्लाइड बाई ए, दैट वॉज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कोसाइन अल्फा।
और ये आ रहा है आपका कॉस 12 फॉर कॉस अल्फा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो दैट इज कॉस ए प्लस बी, दैट इज कोसाइन 3 अल्फा। नेक्स्ट विल बी माइनस कॉस 2 अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा कॉस अल्फा, दैट इज माइनस साइन ए माइनस कॉमन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज माइनस ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी, दैट इज माइनस ऑफ साइन ऑफ 3 अल्फा। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ 3 अल्फा, एंड लास्टली माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, दैट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस 3 अल्फा, कॉस 3 अल्फा। तो एज सच ए स्क्वायर ए क्यूब को देखते हुए हम पैटर्न बोल तो सकते हैं, बट जनरल अगर करना है तो आपको जैसे हम इंडक्शन में करते हैं तो वैसे करना पड़ेगा, ए टू द पावर एन, ए टू द पावर एन प्लस वन करके एज्यूम करके ए टू द पावर एन ये होगा। तो हम अभी के लिए ये बोल रहे हैं कि ए टू द पावर एन विल कम आउट टू बी कॉस एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा कॉस साइन एन अल्फा साइन एन अल्फा कॉस एन अल्फा, दैट विल बी ए टू द पावर एन। तो अगर 32 पे करें तो यू गेट कॉस 32 अल्फा माइनस साइन 32 अल्फा, तो ए 32 में एन विल बी 32। फॉर एन इज इक्वल टू 32 दिस मैट्रिक्स इज गिवन टू बी इक्वल टू 0 माइनस 1 एंड 1 0। तो उसका मतलब फाइनली आपका ये हो गया कि कॉस ऑफ 32 अल्फा इज 0 एंड साइन ऑफ 32 अल्फा मस्ट बी 1, दैट इंप्लाइज 32 अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 4n+1 पाई बाय 2। इस फॉर्म में आपका जनरल सॉल्यूशन होगा, 32 अल्फा की वैल्यू इस फॉर्मेट में होगी बाय यूजिंग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कि कॉस की वैल्यू 0 आ रही है साइन की वैल्यू 1 आ रही है, तो वो आपकी इस पोजिशन पे होती है। तो दैट इज फॉर बेसिकली पाई बाय 2 + 2n पाई इन जनरल सॉल्यूशन, पाई बाय 2 + 2n पाई तो प्लस बी 4n+1 पाई बाय 2 एंड अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 4n+1 पाई बाय 64 विल बी दी जनरल सॉल्यूशन, बट ऑफ देम पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल बी पाई बाय 64 व्हेन इट इज 0। अगेन अनदर क्वेश्चन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो इसमें आपको चाहिए होमोजेनियस सिस्टम है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो होमोजेनियस सिस्टम में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है, जब आपका डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0। तो डिटर्मिनेंट सिंपली 0 करना है आपको, 1 - c - c, c - 1 c, c - 1 का डिटरमिनेंट वैनिश करना है, गेट दी वैल्यू ऑफ सी। और आपको क्या निकालना है, सी की मे बी क्वाड्रेटिक या क्यूबिक जो भी वैल्यू बनेगी उसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ सी। तो अगेन कंप्लीटेड यू नीड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी फ्रॉम दिस इक्वेशन। ओके नाउ दिस इज फ्रॉम 8 अप्रैल 2019, 8 अप्रैल 2019। इट सेज 2BC आर इन AP, 2BC बी इन AP, तो आपके पास 2BC में रिलेशन क्या आ गया, यू हैव बी इक्वल्स टू 2 + c / 2 और 2B इज इक्वल टू 2 + c। फर्दर इट इज गिवन दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा बी और सी की टर्म में, बी और सी की टर्म में, बट इसमें मतलब जो डिटर्मिनेंट ए निकालना है वो आप हम एक स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट रीड करते हैं, अगर डिटर्मिनेंट के अंदर एलिमेंट इस फॉर्मेट में हो 1a a² 1b b² 1c c² और मे बी इसकी ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोज फॉर्मेट में हो, मतलब 1a a² 1b b² 1c c², तो इस डिटर्मिनेंट का हम स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट में इसके जो एक्सप्रेशन है वो लर्न ही कर लेते हैं। तो एलिमेंट्स मतलब जो हर एक रो या हर एक कॉलम है वो GP फॉर्म में है, तो पहले रो का में जो GP है उसका कॉमन रेशियो ए का है, सेकंड रो में जो GP है उसका कॉमन रेशियो बी है, थर्ड में जो कॉमन रेशियो सी है, तो इसका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है दैट इज a - b। अगर ऑर्डर में करें तो a - b दिस माइनस दिस फिर b - c एंड c - a, दिस इज अ नेम डिटरमिनेंट कॉल्ड वेंडरवॉन डिटरमिनेंट। तो अगर हम देखें जो मैट्रिक्स ए में जो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स इन्वॉल्व है वो वेंडर वो किसी फॉर्म में है, मतलब यू कैन से 1 2 2 स्क्वायर 1 b b² 1 c c² ट्रांसपोज, मतलब इस फॉर्म में अगर कॉलम में रीड कर रहा हूँ तो इट इज 1 2 2 स्क्वायर 1 b b² 1 c c², तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए विल कम आउट टू बी 2 - b 2 - b b - c b - c c - 2,
लिस्ट हो, तो आप या तो डायरेक्टली इवेल्युएट ही कर लीजिए अगर नहीं, लेकिन हम स्टैंडर्ड कहते हैं कि याद रखो इस टाइप के कुछ स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट ए फॉर दिस इज ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस, और बहुत रेगुलरली यूज होता है, बहुत रेगुलरली ये पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट यूज में आ रहा होता है बहुत सारे क्वेश्चन में, जेईई एडवांस में भी कई सारे क्वेश्चन यूज में होता है। नाउ ये तो डिटर्मिनेंट डायरेक्ट आ गया, और अब हमारे को क्योंकि सी का इंटरवल निकालना, सी लाइज इन इंटरवल, तो लेट मी कन्वर्ट दिस इनटू ओनली सी फॉर्म, मतलब हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को खाली सी में एक्सप्रेस करना है अगेन यूजिंग दिस रिजल्ट। और यू में से क्योंकि टू बी सी एपी में थे, तो यू कैन से टू माइनस बी सेम एज बी माइनस सी, टू माइनस बी सेम एज बी माइनस सी, तो हमें किस में आना, सी में, जस्ट सी में। तो अगर बी रिप्लेस ही कर देते हैं तो टू माइनस बी इज बी माइनस सी, तो ये आ गया आपका बी माइनस सी का होल स्क्वायर इंटू सी माइनस टू, और अब बी माइनस सी का होल स्क्वायर विल बिकम बी माइनस सी, बी माइनस सी विल बी टू प्लस सी, बी माइनस सी विल बी टू प्लस सी बाई टू माइनस सी, इट कम्स आउट टू बी टू माइनस सी बाई टू। ओके, तो दिस कम्स आउट टू बी टू माइनस सी स्क्वायर वन बाई फोर इंटू सी माइनस टू, हेंस इट यू में राइट इट एज सी माइनस टू होल क्यूब बाई फोर, क्योंकि टू माइनस सी का होल स्क्वायर था, तो इसको आप सी माइनस टू का होल स्क्वायर भी कर सकते हो, तो इट इज सी माइनस टू होल क्यूब बाई फोर। तो अच्छा, डिटर्मिनेंट ए सी की टर्म में आके डिटर्मिनेंट ए का एक रेंज दी हुई थी 2 to 16, दैट मीन्स यू में राइट सी माइनस टू होल क्यूब बाई फोर बिलोंग्स टू 2 to 16 क्लोज इंटरवल, दैट मीन्स सी माइनस टू होल क्यूब बिलोंग्स टू 8 to 64, हेंस यू कैन से सी माइनस टू बिलोंग्स टू, टेकिंग क्यूब रूट, क्यूब है, क्यूब वन वन फंक्शन होता है, तो डायरेक्टली क्यूब रूट कर सकते हो, इट इज 2 to 4, हेंस सी बिलोंग्स टू 4 to 6 क्लोज इंटरवल, 4 to 6 दैट इज योर ऑप्शन टू, सी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 to 6। अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम साइमल्टेनियस इक्वेशन, रेगुलर वन, नो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट वे में पूछा गया है, इट सेज एक्स वाई लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन हिज इक्वेशन इज, एंड गिवन सिस्टम में वो कह रहा है जेड जीरो नहीं है। ओके, तो एज सच इसने डायरेक्टली ये नहीं दिया कि हमारा सिस्टम में इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन है कि यूनिक सोल्यूशन, मतलब कंसिस्टेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, बट इट सेज इट हैज अ सोल्यूशन अदर देन जेड जीरो, मतलब ये भी नहीं कह रहा कि एक्स वाई जेड जीरो नहीं है, इट सेज सिंपली सेज जेड इज नॉट जीरो, इट इज सेइंग जेड इज नॉन जीरो, इट हैज अ सोल्यूशन वेयर ऑर्डिनेट जेड इज नॉट जीरो, देन एक्स वाई लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में हमारा जेड के साथ के मल्टीप्लाइड है, तो अगर हम इसको ऐड कर दें तो के एलिमिनेट हो जाएगा, तो लेट अस ऐड 1 and 3, तो जो भी एक्स वाई जेड सेटिस्फाई कर रहा है वो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैंने फर्स्ट और थर्ड को यूज किया, और फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके जेड वाली टर्म एलिमिनेट कर दी, तो इट विल बी 4x minus 3y = 4, 4x minus 3y = 4, इट हैज अ सॉल्यूशन व्हेन इट इज लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। तो एनीवे ये तो इस एक्स वाई को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेगा ही, तो ये तो डायरेक्टली आ गया फोर्थ ऑप्शन, तो हमने सिर्फ के एलिमिनेट किया, और इट हैज ये तो यही करना था सिर्फ, इसमें तो हमने के एलिमिनेट किया और हमने फर्स्ट और थर्ड से ही डायरेक्टली ऑब्टेन कर लिया एक्स वाई लाइज ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट लाइन, क्योंकि जब एक्स वाई जेड तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो सच कंसिस्टेंट तो है ही, इट हैज अ सॉल्यूशन, तो इट हैज अ सॉल्यूशन में हम डायरेक्टली के एलिमिनेट कर देते हैं थर्ड में से। अगेन द डिटरमिनेंट इवैल्यूएशन, अगेन इट सेज अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, ये वही स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है जो हमारा किसी और शिफ्ट में भी आया था, अल्फा बीटा आर नथिंग बट ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, वाई इज नॉन जीरो एंड यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस डिटर्मिनेंट ओनली। तो सच पॉसिबिलिटी तो ये दिख रही है कि अगर हम रो वन गोज टू रो वन
प्लस रूट टू प्लस रूट थ्री करे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि पहला एलिमेंट सब में सेम आ जाएगा, मतलब फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे। देखो वाई प्लस वन प्लस अल्फा प्लस बीटा, नेक्स्ट विल बी वाई प्लस वन प्लस अल्फा प्लस बीटा, थर्ड वन इज वाई प्लस वन प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा वाई प्लस बीटा वन, बीटा वन वाई प्लस अल्फा। अच्छा अल्फा बीटा अगर किसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस वन, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस वन बी, अल्फा वन प्लस अल्फा प्लस बीटा इज जीरो। ऐसे भी बोल सकते हो या ये भी बोल सकते हो क्योंकि अल्फा बीटा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही है, तो इट इज वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो पहला एलिमेंट वाई हो गया वो कॉमन आ गया और अंदर रह गया आपका वन वन वन। ओके ना वन 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 इट इज अल्फा वाई प्लस बीटा वन, बीटा वन वाई प्लस अल्फा। ओके ना दिस विल बी इक्वल टू वाई कॉमन, लेट मी मेक सम जीरोस। अगर कॉलम थ्री में से कॉलम टू सबट्रैक्ट करते तो ये जीरो आ जाएगा, या डायरेक्टली ओपन ही करते हैं तो वाई कॉमन है वन टाइम वाई प्लस अल्फा वाई प्लस बीटा, वाई प्लस बीटा वाई प्लस अल्फा माइनस वन माइनस अल्फा वाई प्लस प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा वाई माइनस बीटा स्क्वायर। फर्दर इट विल बी इक्वल टू वाई कॉमन वाई स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा वाई माइनस वन माइनस अल्फा वाई, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा वाई, सॉरी माइनस बीटा वाई माइनस बीटा स्क्वायर, तो ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी आपकी। तो ये फाइनली बच रहा है वाई कॉमन, इनसाइड यू आर लेफ्ट विथ वाई स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा माइनस वन माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ओके तो अल्फा प्लस बीटा बी माइनस वन, अल्फा प्लस बीटा बी माइनस वन, और ये हो जाएगा आपका माइनस कॉमन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और यू में राइट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वो भी लिख सकते हो अगर करना चाहो तो डायरेक्टली। तो फाइनली इट विल बी वाई स्क्वायर माइनस टू एंड माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी, अल्फा प्लस बीटा था माइनस वन, इट इज वन माइनस टू माइनस वन तो प्लस वन, तो वाई स्क्वायर माइनस वन, तो इट इज कमिंग आउट टू वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस वन। थर्ड ऑप्शन वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस वन, सिंपल इवेल्युएशन, सिर्फ रिप्लेसमेंट करते चले गए जहां जहां पे हमको करनी पड़ी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस वन एंड अल्फा बीटा की वैल्यू वन, और यू में डायरेक्टली रिप्लेस अल्फा बीटा बाय ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एंड अप्लाई दी प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट सर्कुलरिटी। नाउ दिस इज अगेन पैटर्न बेस्ड कि आपको वन मतलब इनको मल्टीप्लाई करके इसके इक्वेट करना है और फाइनली you need to find the inverse of this, that is actual aim is you need to find the value of n, because option में n base linear, हमें n निकालना है particularly। तो अगर आप pattern अगर observe करो first two को multiply करके, तो first two को multiply करके you are getting one one with one zero will be one, one one with two one will be two plus one, one plus two or two plus one, zero one with one zero is zero, zero one with two one will be one। That is, ये आ रहा है, मतलब पहले दो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एलिमेंट वन प्लस टू आ रहा है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं वन थ्री जीरो वन से, नाउ दिस टाइम विल बी वन थ्री विद वन जीरो विल बी वन, वन थ्री विद थ्री वन विल बी थ्री प्लस वन प्लस टू, वन प्लस टू प्लस थ्री सिक्स आ रहा है बेसिकली, और जीरो वन विद वन जीरो विल बी जीरो, जीरो वन विल बी विद थ्री वन विल बी वन। तो सच पैटर्न जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अगर हम ऐसे एन माइनस वन मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करेंगे इसी ऑर्डर में, इसी ऑर्डर में, तो फाइनली
यू आर गेटिंग 1 0 1, ये स्टैटिक है, ये तीन क्वेश्चन स्टैटिक है, फिक्स्ड है, और जस्ट 2 2 1 2 क्वेश्चन का एलिमेंट आएगा, दैट विल कम आउट टू बी 1 + 2 + 3 अप टिल n-1. दिस कम्स आउट टू बी 1 n-1 × n/2 0 1 टू बी इक्वेटेड टू 178 0 1. Hence, we must have n-1 × n as 156. And that is, अगर ऑप्शन से प्रेडिक्ट करें, शायद 12 और 13 का प्रोडक्ट होगा, 12 टाइम 13. Okay, 12 टाइम 13, hence n must be equal to 13. n must be equal to 13. अगर n 13 है, तो आपको निकालना था 1301 का इनवर्स. So that will be determined तो 1 ही है, it will be 1 1 interchange sign change. ये आएगा आपका आंसर 1 - 13 0 1, दैट इज ऑप्शन 3. ओके, नाउ दिस वन इज, यू नीड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ दिस फॉर्म सो दैट ए ट्रांसपोज ए कम्स आउट टू बी थ्राइस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके, तो ए ट्रांसपोज ए, पहला इमेज यू नीड टू फाइंड ए ट्रांसपोज ए. ए ट्रांसपोज ए इज 0 2 y 1, 0 2 y 1, 2x y - 1, 2x - y 1, ए ट्रांसपोज टू बी मल्टीप्लाइड बाय ए, 0 2 y 1, 2x y - 1, 2x - y 1. ये आ रहा है आपका 4x² + 4x² 8x² 0 2xy - 2xy 0, 0 - 2x + 2x 0. नेक्स्ट एलिमेंट इज 0 2xy - 2xy 0, 4y² + y² 5y² + y² 6y², 2y - y - y 0, 0 - 2x + 2x 0, 2y - y - y 0, 1 + 1 + 1 3, and it is given to be equal to 3i3. That is given to be equal to 300 0 0 3 0 0 0 3. That's it. तो आपको बस अब एलिमेंट्स कंपेयर करने हैं, तो 8x² 3 के इक्वल होकर x² की वैल्यू आ गई आपकी 3/8. x की पॉसिबल वैल्यूज है +/√3/8, √3/8, एंड y की पॉसिबल वैल्यूज +/√2. तो इनफैक्ट x और y के ऑर्डर्ड पेयर्स अगर देखें तो 4 बन गए, 2 × 2. तो इस क्वेश्चन पे x की दो, x जो भी डालोगे तो उस पर वही डालना, और y जो भी फिक्स करोगे तो वो ऑटोमेटिकली इन दोनों क्वेश्चन में फिक्स हो जाएगा. यू कैन से इस एलिमेंट को फिल करने के लिए यू हैव टू चॉइसेस, इस एलिमेंट को फिल करने के लिए टू चॉइसेस, और जैसी जो ये दो फिक्स होंगे तो बाकी सारे एलिमेंट उनके अकॉर्डिंग फिक्स हो जाएंगे. यू हैव ऑल टुगेदर 4 पॉसिबल मैट्रिसेस, 4 पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ दिस फॉर्म, सो दैट ए ट्रांसपोज ए कम्स आउट टू बी 3i3, एंड इट ऑल्सो सेज x इज नॉट इक्वल टू y, x इज नॉट इक्वल टू y, डजंट मेक सेंस, क्योंकि हमारे जो x और y निकल के आ रहे हैं वैसे भी इक्वल नहीं है. अगेन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, बट दिस टाइम ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है. पहली चीज, इट इज अ होमोजेनियस सिस्टम, इट इज अ होमोजेनियस सिस्टम, तीनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड जीरो है, एंड इट हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ये होगा कि डिटरमिनेंट डेफिनेटली वैनिश करेगा, डिटरमिनेंट वैनिश करेगा. तो इट इज 2 3 - 1, 1k - 2, 2 - 1 1. दिस डिटरमिनेंट मस्ट वैनिश. तो डिटरमिनेंट को जीरो करके k निकालते हैं, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 2 × k - 2 -3 × 1 + 4 = 5 -1 - 2k. दिस मस्ट बी जीरो. So it is coming out to be 2k + 2k 4k
-4 -14 +1 दैट इज कमिंग आउट टू बी k इज इक्वल टू 19 -1 18/4 और इनमें से 9/2। बट जस्ट k नहीं निकालना, k तो चलो निकल गया, बट एज सच हमें जो निकालना है वो ये एक्सप्रेशन निकालना है x बाय वाई प्लस वाई बाय जेड प्लस जेड बाय एक्स प्लस के। तो थोड़ा सा डिफरेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, तो k तो आ गया आपका 9/2। नाउ k अगर 9/2 आ गया तो आपको एक्चुअली वो जो इन्फिनिट सोल्यूशन है वो निकालने पड़ेंगे। तो पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स जेड, सेकेंड इक्वेशन वी राइट इट एज, और यू राइट थर्ड इक्वेशन एज 2x माइनस वाई इक्वल्स माइनस जेड। तो अगर हम ये दोनों इक्वेशंस ऐड कर दें तो हमें एक्स वाई जेड, एक्स और जेड एलिमिनेट हो जाएगा, इट विल बी 4x प्लस 2y इक्वल्स 0। हेंस यू गेट एक्स इज इक्वल टू या वॉर, और जैसे वाई इज इक्वल टू -2x -4x/2। y is minus 2x, अगर इस इक्वेशन में डाल दें तो इट इज माइनस ऑफ माइनस 2x 4x, एंड z कम्स आउट टू बी -4x, z कम्स आउट टू बी -4x, और y की टर्म में निकल गया। तो अब हम ये सारे रेशियो निकल जाएंगे, तो व्हाट इज x बाय y, x ओवर y विल बी -1/2, x बाय y इज -1/2 फ्रॉम दिस इक्वेशन, सेट y बाय z इज +1/2, y by z is plus half plus z by x, z over x comes out to be -4 plus 9/2. So that simplifies to 9/2 -4 is 9 -8/2, that is 1/2. 1/2 is the correct option, that is option 4. तो आपको और कुछ नहीं, जो k निकला वो तो हमने यहाँ पर रिप्लेस किया ही, और जो रेशियोज निकालने थे हमने फिर से एलिमिनेशन शुरू कर दिया गिवन सिस्टम में। तो हमारे पास तीन इक्वेशन थी, हमने पहले दो इक्वेशन को खाली जेड में एक्सप्रेस कर लिया, तो उसमें फर्स्ट और थर्ड का इजी हो रहा है क्योंकि इसमें हमारे पास के इन्वॉल्व और के 9/2 आया है। तो हमने फर्स्ट और थर्ड में जेड को राइट साइड ले जाके ऐड किया ताकि जेड एलिमिनेट हो जाए, उससे एक्स और वाई में रिलेशन आ गया, वो एक्स और वाई का रिलेशन किसी एक इक्वेशन में सबट्यूट करके जेड और एक्स में रिलेशन ले आए, और उसके बाद तो बस रेशियोज जनरेट करने थे, व्हाट इज एक्स बाय वाई, वाई बाय जेड एंड जेड बाय एक्स टू बी एडेड बाय के विद के। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम 10th अप्रैल 2019, इट इज फ्रॉम डिटर्मिनेंट्स एंड वी नीड टू जस्ट सिंपलीफाई टू डिटर्मिनेंट डेल्टा वन एंड डेल्टा टू। बट अगर आप दोनों डिटर्मिनेंट्स में एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करो तो एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सेम है, मतलब जिन पोजिशन पे एक्स, इनफैक्ट ये सब मैट्रिक्स तो सेम ही है एज इट इज, ये भी सेम है। अच्छा, जो ये एलिमेंट्स हैं उनमें फंक्शन सेम है, साइन कॉस और साइन साइंस भी, मतलब यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन है एज सच। इसमें अगर थीटा इन्वॉल्व है तो ये 2 थीटा है बस, तो एज सच हमें डेल्टा वन को सिंप्लीफाई करना है, तो डेल्टा वन का जो एक्सप्रेशन आएगा उसी एक्सप्रेशन में थीटा को 2 थीटा रिप्लेस करके मेरे को डेल्टा टू मिल जाएगा। तो एज सच ये दो सेपरेट डिटर्मिनेंट नहीं है, अदरवाइज ये जल्दी कैलकुलेशन होती है अदरवाइज। तो डेल्टा वन सिंप्लीफाई करते हैं, तो डेल्टा वन सिंप्लीफाइज टू, डेल्टा वन इज एक्स इंटू -x² -1 -sin θ टाइम्स -x sin θ -cos θ प्लस cos θ टाइम्स -sin θ प्लस x cos θ। Now this simplifies to minus into minus plus x sin² θ plus x cos² θ. तो ये दोनों मिला के x sin² θ plus x cos² θ becomes x, and this one is sin θ cos θ minus sin θ cos θ cancel out. It simplifies to minus x cube minus x, and this one is plus x. It is minus x cube. That is independent of theta. तो डेल्टा वन माइनस एक्स क्यूब आ रहा है और थीटा आई आई नीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो डेल्टा टू भी माइनस एक्स क्यूब भी आएगा, तो हेंस देयर डिफरेंस मस्ट बी 0 एंड देयर सम मस्ट बी -2x³। और आई थिंक ऑप्शन में यही पूछा हुआ कि सम क्या है और डिफरेंस क्या है,
डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू कम्स अप टू माइनस टू एक्स क्यूब, दैट इज ऑप्शन टू, और डिफरेंस इज जीरो. अगेन फ्रॉम साइमल्टेनियस इक्वेशन, इट हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस. द गिवन सिस्टम हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन. इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस की कंडीशन इज फॉर अ नॉन होमोजेनियस सिस्टम यू मस्ट हैव डी डी वन डी टू डी थ्री, ऑल ऑफ देम मस्ट बी जीरो, ऑल ऑफ देम मस्ट बी जीरो. तो डी को जीरो करने पे यू गेट लैम्डा, क्योंकि लैम्डा अननोन डी में आ रहा है, और डी वन या डी टू या डी थ्री में से किसी एक को भी जीरो करोगे अगर आप, आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी. यू नीड टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस म्यू. तो अगेन आई एम लीविंग दिस, यू कंप्लीट दिस ऑन योर ओन. नेक्स्ट वन इज सम ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सम ऑफ द रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. ओके, तो लेट अस कंप्यूट दिस डिटरमिनेंट. एक्स इंटू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स टाइम्स टू एक्स प्लस फोर प्लस थ्री एक्स माइनस नाइन माइनस फोर एक्स माइनस नाइन एक्स. ओके, तो इट कम्स आउट टू बी माइनस फाइव एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स क्यूब. दिस इज फाइव एक्स फाइव इंटू सिक्स थर्टी एक्स माइनस फाइव माइनस थर्टी एंड दिस वन इज माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो इट इज कमिंग आउट टू माइनस फाइव एक्स क्यूब प्लस 35x माइनस 30 इक्वल्स टू जीरो. माइनस फाइव कैंसिल, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो. तो अगर हमारे को सम ऑफ द रूट्स पूछा होता अल्फा बीटा गामा का सम क्या है, इट कम्स आउट टू बी समेशन अल्फा विल बी माइनस बी वाई के अकॉर्डिंग इट इज जीरो, क्योंकि आप क्लियरली देख पा रहे हो एक्सपेयर की टर्म इज जीरो. बट इसने ये नहीं पूछा कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या है, उसने बोला है सम ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है. तो ऐसा भी तो हो सकता है इसका एक ही रियल रूट हो दो इमेजिनरी हो, ऐसा भी एक पॉसिबिलिटी है. तो अगर वो वाला सिनेरियो हुआ तो सम ऑफ द रियल रूट, वो जो सिंगल रियल रूट होगा वो वैल्यू आ जाएगी उसके इसके अंदर. तो आपको ये मतलब ऐसा भी हो सकता है तीनों रियल हो, तब तो ठीक है आंसर जीरो हो जाएगा उस केस के अंदर. बट सम ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन पूछा था, तो आपको ये जजमेंट देनी पड़ेगी इसके रियल रूट्स कितने हैं. तो या तो इसको आप फिर फर्दर कैलकुलस से अप्रोच कीजिए डेरिवेटिव करके, बट आई थिंक इसका हिट एंड ट्रायल से रूट दिख रहा है क्लियरली. वन वन अगर रूट है तो इसके फैक्टराइजेशन हो जाएगी और ये रिड्यूस कर जाएगा एक्स माइनस वन, एंड रिमेनिंग क्वाड्रेटिक फैक्टर में उसकी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए प्लस एक्स एंड माइनस वन के साथ माइनस सिक्स. It is minus 6x and okay. This is the square and this is further factorizable. इसका d positive आ रहा है, तो बिल्कुल सही है. तीनों roots real हैं. इसका भी real है और इसके भी दोनों real हैं. This can be factorized x plus 3 x minus 2. तो it is x values क्या क्या आ गई? इनका x values आ गई 1, 2 and minus 3. Sum of the roots comes out to be 0. But इसमें interesting तब होता अगर ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसे बनाया जाता कि सम ऑफ द रियल रूट्स पूछा गया होता और बाय चांस का एक रियल होता और दो इमेजिनरी आते और जीरो भी ऑप्शन दी होती उसके इसके अंदर, और रियल वाला जो सिंगल रियल रूट था वो आंसर होता उसका. बट बाय चांस तीनों ही रियल है तो किसी ने अगर गलती से डायरेक्टली सम ऑफ द रूट्स से भी कर देता तो उसका भी ठीक हो जाता, और जिसने ये सब किया तो उसका थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया. नेक्स्ट वन इज अगेन फ्रॉम साइमल्टेनियस इक्वेशन, इट हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस. इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन में आप सबके डी डी वन डी टू डी थ्री सबको जीरो करके गेट दी वैल्यू ऑफ लैम्डा, और वो लैम्डा जो आ रहा है वो फाइनली बस एक उसके बाद उसमें ये चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द सेम रूट लैम्डा. दिस वन सेज बी इज द इनवर्स ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स ए, दैट इज बी इज द इनवर्स ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स ए एंड इट इज गिवन दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस वन इज जीरो. डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस वन इज जीरो, दैट इज डिटर्मिनेंट इज माइनस वन.
हेंस डिटरमिनेंट बी इज यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट ऑन इनवर्स, डिटरमिनेंट बी इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो कि होता है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट है क्योंकि माइनस वन आना है, तो डिटरमिनेंट बी भी माइनस वन ही आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट बी इज रेसिप्रोकल ऑफ डिटरमिनेंट है, दैट इज 1 बाय माइनस वन, दैट इज माइनस वन। तो बस अब डिटरमिनेंट बी को माइनस वन के इक्वेट करना है आपको, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ 5 टू अल्फा 1 0 टू 1 एंड अल्फा 3 माइनस वन। इस डिटरमिनेंट को माइनस वन के इक्वेट करके यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा। तो अब अल्फा में क्वाड्रेटिक बनेगी या मे बी नहीं बनेगी, जितनी भी अल्फा की वैल्यूज आएंगी उनका सम पूछा है। यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये भी अगेन इसके बाद आप खुद कंप्लीट कीजिए इसको। नाउ दिस वन इज, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ अब अभी तक के अगर उस पे देखें, मतलब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन कितने कम आ रहे हैं, जॉइंट बेस्ड कितने कम आ रहे हैं, जनरल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है, मतलब जो ट्रेंड है, या फिर एक क्वेश्चन फिक्स है साइमल्टेनियस इक्वेशन का अभी तक के हिसाब से। तो इट सेज ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज ए, बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी ट्रांसपोज माइनस बी। ये तो दो हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ओके। लेकिन ए प्लस बी दिया हुआ है और ए भी पूछा है, इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि ऐसी कोई जनरल प्रॉपर्टी ना हो के, मतलब ये हमें ए भी निकालने ही पड़ेंगे। तो अगर ए 2 बाई 2 का सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो किस फॉर्म में होगा, ए मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ, इस पोजिशन पे तो कुछ भी ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं, ये सेम होगा अल्फा अल्फा। सिमिलरली बी आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगनल एलिमेंट्स तो जीरो ही होंगे, डायगनल एलिमेंट जीरो होंगे, और नॉन डायगनल एलिमेंट्स पे एलिमेंट जो होंगे वो इस फॉर्मेट में होंगे, ये बीटा है तो ये माइनस बीटा होगा। तो व्हाट इज ए प्लस बी, व्हाट इज ए प्लस बी, ए प्लस बी कम्स आउट टू बी एक्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा एंड वाई। And that is given to be equal to 2, 3, 5, -1. Hence we have x is 2, y is -1, alpha plus beta is 3, alpha minus beta is 5. So if we solve this, then alpha ki value kitni aa jayegi 8 by 2 4 and beta will come out to be -1. So pure pure matrices aa gaye aapke, a matrix aapka frame ho gaya, एक्स आ गया 2, अल्फा कम्स आउट टू बी 4, 4 वाई कम्स आउट टू बी -1। ए टू बी प्रोडक्ट विद बी मैट्रिक्स, पर बी मैट्रिक्स ओवर हियर इज 0 बीटा -1 1 0, और इसका प्रोडक्ट आपका जनरेट होगा 2 इंटू 0 प्लस 4 6, सॉरी 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4, 4 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 4, दैट इज योर ऑप्शन 3। ओके, नाउ दिस इज अगेन जस्ट द वैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट अलोंग विद अ क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिसमें थीटा दिया हुआ 0 टू पाई बाय 3 में। और अगेन अगर हम सिंप्लीफाई करने से पहले अगर हम प्रॉपर्टीज लगा दें ताकि कुछ एलिमेंट जीरो हो जाए इजीली, तो इसमें जीरोस बनाने के लिए लेट अस गो बाय दिस, आर वन गोज टू आर वन माइनस आर टू, आर टू गोज टू आर टू माइनस आर थ्री साइमल्टेनियसली। मतलब पहले ये ऑपरेशन लगा रहे हैं और उसके बाद ये ऑपरेशन कर रहे हैं, और लेकिन मतलब शो में एक साथ कर रहा हूँ, आर वन में से आर टू सब्ट्रैक्ट करने पे इनका 1 माइनस 1 0, आर टू में से आर थ्री से तक इनमें 0 1, दिस इज माइनस 1। नाउ इट इज कॉस स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर थीटा 1 प्लस 4 कॉस 6 थीटा। डिटरमिनेंट इज गिवन टू बी इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट इज इक्वेटेड टू 0, और अब डायरेक्टली ओपन कर देते हैं इसे, तो इट इज 1 इनटू दिस 1 प्लस 4 कॉस 6 थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा माइनस ऑफ माइनस 1
प्लस जीरो इंटू दिस माइनस ऑफ दिस माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू जीरो. तो विल गेट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 + 1 2 कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू -2/4 -1/2 दैट्स इट. तो 6 थीटा के डोमेन होगा आपका 0 से 2 पाई. 6 थीटा विल बिलोंग्स टू बिकॉज आपका थीटा 0 से π/3 में है तो 6 थीटा आपका आ जाएगा 0 से 2 पाई. 0 to 2 पाई तो 6 थीटा की पॉसिबल वैल्यूज विल बी आइदर 2π/3 और 4π/3. तो थीटा कम्स आउट टू बी आइदर π/9 और 4π/18 दैट इज 2π/9 आइदर π/9 और 2π/9 बट वन ऑफ देम इज गिवन एज ऑप्शन 2 π/9. इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया था क्योंकि मैट्रिक्स दिया हुआ है और अगेन हमें a^-15. नाउ व्हाट डज दिस मीन a^-15. दिस मीन a इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 50 टाइम्स 50 टाइम्स. तो पहले a इनवर्स निकाल लेते हैं. a इनवर्स क्या आ गया? a इनवर्स आ गया cos थीटा. cos थीटा अनचेंज, डायगोनल्स को चेंज इंटरचेंज किया बट वो cos थीटा ही है दोनों. और नॉन डायगोनल के साइन चेंज, -sin थीटा sin थीटा और डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है तो 1/1. ओके ए इनवर्स ही आ रहा है. तो अब आपको ए इनवर्स का पैटर्न देखने के लिए ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया. ए इनवर्स 2 मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स दैट इज cos थीटा sin थीटा -sin थीटा cos थीटा टू बी मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा sin थीटा -sin थीटा cos थीटा. इट कम्स आउट टू बी कॉस स्क्वायर थीटा -sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा cos sin थीटा cos थीटा sin थीटा +sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा -sin थीटा cos थीटा -sin थीटा cos थीटा -sin 2 थीटा -sin स्क्वायर थीटा +cos स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा. तो अब अगर इसी पैटर्न में अगर इनवर्स का 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे इट विल कम आउट टू बी cos 3 थीटा sin 3 थीटा -sin 3 थीटा cos 3 थीटा. यू कैन से a^-50 विल बी cos 50 थीटा sin 50 थीटा -sin 50 थीटा एंड cos 50 थीटा उसी पैटर्न में. और अब आपको निकालना क्या था? यही मैट्रिक्स निकालना है व्हेन थीटा इज π/12. तो व्हाट इज 50 π/12? दैट विल बी 25π/6 और यू वे राइट इट एज 4π + π/6. ओके तो दैट इज मैट्रिक्स कम्स आउट टू बी cos π/6 sin π/6 -sin π/6 cos π/6. क्योंकि आपको पता है cos और sin फंक्शन दोनों का पीरियड 2π का होता है. तो 4π + थीटा के cosine की वैल्यू या sin की वैल्यू इस रेजिड्यू की हो जाएगी, cos की भी sin की भी. मतलब 4π के पीरियड में चला गया तो ये मैट्रिक्स आएगा फाइनल आंसर इट इज cos 30√3/2 √3/2 हाफ -1/2√3/2 √3/2 हाफ -1/2√3/2 इज योर ऑप्शन ए. अगेन अ साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड यू नीड टू फाइंड द कंसिस्टेंसी की कंडीशन, कंसिस्टेंसी और इंटरनलाइजेशन. इसको आप स्किप कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए ये रिकॉर्ड के लिए. आप अपने आप ट्राई करिए. अगेन गिवन मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल इसकी बात हो रही है. तो आपको इनवर्स एग्जिस्ट करने की कंडीशन क्या है? इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो हो. एक्चुअली में आपको डिटर्मिनेंट ए कंप्यूट करना है ओवरऑल. तो इफ यू नीड टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो क्लियरली फर्स्ट कॉलम से e^t कॉमन होता दिख रहा है, सेकेंड कॉलम में e^-t सारे एलिमेंट्स में है और थर्ड कॉलम में भी e^-t सारे मतलब e^-t का फैक्टर है थर्ड कॉलम में भी. तो e^t अलोंग विद e^-2t कॉमन आ गया और अंदर बच जाएगा आपका. और एनीवे नॉन जीरो फैक्टर्स हैं, मतलब पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स हैं फॉर रियल टी. तो इनसाइड विल बी 1 1 1 फर्स्ट कॉलम. नेक्स्ट कॉलम विल बी cos t -cos t -sin t एंड 2 sin t.
एंड थर्ड कॉलम विल बी साइन टी माइनस साइन टी कॉस प्लस कॉस टी, एंड थर्ड एलिमेंट इज माइनस टू कॉस टी. ओके, नाउ इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल ये निकालना. नाउ दिस जीरोस बना के या डायरेक्टली ओपन कर देते हैं, तो डायरेक्टली ओपन करने पे यू गेट फ्रॉम फर्स्ट कॉलम बोलते हैं, इट इज माइनस कॉस टी माइनस 19 टू माइनस टू कॉस टी, इट विल बी टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन प्लस टू साइन टी कॉस टी माइनस टू साइन टी प्लस टू साइन स्क्वायर टी माइनस टू साइन टी कॉस टी, ये आ रहा है. और माइनस नेक्स्ट विल बी माइनस टू कॉस स्क्वायर टी माइनस टू साइन स्क्वायर टी, नेक्स्ट विल बी प्लस माइनस कॉस टी साइन टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन टी कॉस टी प्लस साइन स्क्वायर टी. मैं इसमें दिस विल बी टू, दिस विल बी अगेन माइनस टू इंटू माइनस प्लस टू, ये कैंसिल हो गया, ये भी प्लस वन, इवेंचुअली इट इज कमिंग अप टू बी 4%, 5 times e टू द पावर माइनस टी. डिटर्मिनेंट ऑफ ए कम्स अप टू बी 5 times e टू द पावर माइनस टी, डेफिनेटली नॉन जीरो, डेफिनेटली नॉन जीरो, हेंस इट इज इन्वर्टिबल फॉर ऑल टी बिलोंग टू आर, इट इज इन्वर्टिबल फॉर ऑल एवरी टी बिलोंग टू आर. It again says the system of given equation is consistent. It is consistent, so it is either the case of unique solution or infinitely many solution. आपको एक तो डिटरमिनेंट निकालना है, अगर वो जीरो आ जाता है तब आप स्टेप पे जाइए, और अगर जीरो नहीं आ रहा तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस हो ही जाएगा. बट इवेंचुअली आपको एक जीएच के में एक रिलेशन भी लाना है टू फॉर दिस टू हैव दिस यूनिक, तो उसका डिटरमिनेंट निकाल ही लेते हैं एक बारी. इट इज 1 माइनस 4 7, 0 3 माइनस 5, -2 5 -9. लेट मी कंप्यूट दिस डिटरमिनेंट, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3 2 -9 -27 +25 -2 times 30 -21. It is coming out to be minus 2, 30 minus 21 is 9, minus 18. This is minus 30, which is non-zero. Hence, it has a unique solution. So, it's a unique solution in Hugo, but आपको relationship बनाना GHK में. GHK में relationship बनाने के लिए आप option के through ही देख लीजिए किसमें, मतलब ये consistent है तो G plus H plus K किसमें identically zero आ रहा है या as such. या फिर आप एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक्स वाई जेड जी एच के में जनरेट कीजिए, मतलब एक सॉल्यूशन निकालिए इसका प्रॉपर. बट इजी वे आउट यही दिख रहा है कि अगर आप डायरेक्टली इन तीनों को ऐड करोगे तो आई डोंट थिंक इट विल बी जीरो. जी प्लस एच प्लस टू के, जी प्लस एच इज 4 माइनस, और ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो जी प्लस एच प्लस टू के विल बी 1 प्लस 3. ओके सॉरी, दिस इज 0x, तो g+h+2k में आपका x का कोफिशिएंट वैनिश कर जाएगा, y का कोफिशिएंट विल बी -4 + 3 -1 + 10, 0 नहीं हो रहा. g+2h+k -4 + 6, 2 + 5 अगेन नॉट, -8 -8 + 3 + 5 हो रहा है, और इसमें एक्स का ऑप्शन भी 0 हो रहा है, वाई का भी हो रहा है, और बट जेड विल बी 14 14 -5 9 -9 0. दिस विल बी द आंसर, 2g+h+k इज इक्वल टू 0. मैं सिर्फ सबसे वेरिफिकेशन कर रहा हूँ कि मतलब ये रिलेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा. आई एम जस्ट चेकिंग ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन,
ट्वाइस ऑफ फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे 2g + h + k आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे आइडेंटिकली 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस दिस इज एंड वेरीफाइंग। ओके अगेन अब मैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिटर्मिनेंट्स, इट सेज यू नीड टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज 8, नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो एक इजी सा क्वेश्चन है, इसको अभी स्किप करते हैं क्योंकि अभी और भी क्वेश्चंस हैं थोड़े अच्छे से। तो इसके अंदर आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना है, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए, वो एक्चुअली फंक्शन ऑफ थीटा में आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में और मे बी थीटा एलिमिनेट हो जाएगा मे बी, और यू नीड टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट टू गेट द वैल्यू ऑफ डी, टू गेट द वैल्यू ऑफ डी। और मे बी डी में आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर या कुछ ढूंढना पड़े, निकाल लेते हैं। व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इट इज कमिंग आउट टू बी -2 टाइम्स sin θ + 2 इनटू दिस, या एलिमिनेशन इजी हो रहा है शायद कुछ करके। एक एलिमिनेशन तो इजी कर रहा है इसको, इफ आई टेक R3 goes to R3 plus R1, R3 में अगर R3 plus R1 कर दें, R3 goes to R3 plus R1 तो क्या आ जाएगा, -2 4 plus d sin θ - 2, दिस इज 1 sin θ + 2 d, और ये आ जाएगा आपका R3 plus R1 में 5 - 2 3, यहाँ आ जाएगा आपका 2 sin θ +4, ऐसे कोई बहुत बेनिफिट नहीं हो रहा, तो इनफैक्ट डायरेक्टली ओपन करके आपको वैल्यूएट करना पड़ेगा, डायरेक्टली ओपन ही लंबा जाएगा, बट और कोई चॉइस नहीं है, बस ऐसे बहुत जीरोज बना नहीं पा रहे। इट इज -2 times sin θ + 2 इंटू दिस, इट इज -sin²θ + 2 + 2d sin θ, साइन थीटा पहले मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया -sin²θ + 2 + 2d sin θ प्लस -2 sin θ +4 + 4d माइनस, लेंथी है आप इसे खुद ही कंप्लीट कीजिए, और मैं भी स्किप कर रहा हूँ इसको। अगेन इनफिनिटी वैल्यू सॉल्यूशन, इसको भी स्किप करते हैं। Now it says matrix A is given then the minimum value of determinant A by B. Determinant A compute करते हैं, it is coming out to be 2 into 2b² + 2 - b² - b times 2b - b + b² - b² + b² - b² - 1. It's coming out to be b square 2b² +4 b - b² - 1, so it is coming out to be b² + 3. Determinant A is b² + 3, and we need to just find the minimum value of determinant A by B. So determinant A by B will be b + 3 by b, or b agar positive hai, you can directly apply AMGM inequality over here. That is b + 3 by b / 2 is greater than or equal to b × 3 by b^2. That simplifies to b + 3 by b > √3. 2√3. The minimum value will be 2√3, and achieve कब करेगा? जब b और 3 by b equate होंगे, that is b² = 3 और b is √3. And b√3 पे minimum value आपके आ जाएगी 2√3. This is again from simultaneous equations, and given that the given equation are not trivial solution, that is determinant of d must be zero. So d zero करके you need to find an equation जो कि trigonometric form में आएगी, और उसके बाद उस equation के number of solutions बताने आपको zero से find में। That is 137 - 147 sin 3 theta cosine 2 theta 2.
डिटर्मिनेंट वैनिश किया। तो ये आपका 8 माइनस 7 कॉस टू थीटा प्लस 6 माइनस 7 कॉस टू थीटा प्लस 5 3 थीटा टाइम्स 21 माइनस 28 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दैट इज कमिंग आउट टू बी 14 माइनस 14 कॉस थीटा एंड -7 sin 3 थीटा इज इक्वल टू 0। दैट इज sin 3 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम 1 माइनस cos 2 थीटा। 7 कैंसिल कर दिया तो आपको मिल गया sin 3 थीटा। इवन इट हम उससे ले गया कल गेट sin 3 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम 1 माइनस cos 2 थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin² थीटा। इट इज 2 into 2 sin² थीटा एंड sin 3 थीटा इज 3 sin θ - 4 sin³θ। 3 sin θ - 4 sin³θ इज इक्वल टू 4 sin²θ। इट सिंप्लीफाइज टू 4 sin³θ प्लस 4 sin²θ माइनस 3 sin θ इज इक्वल टू 0। दैट गिव्स यू आइदर sin θ एज 0 और 4 sin²θ प्लस 4 sin θ माइनस 3 0 0। और ये स्प्लिट हो रहा है आई थिंक 6 sin - 2। दैट इज 4 sin²θ प्लस 6 sin θ माइनस 2 sin θ माइनस 3 0 0। दैट गिव्स यू 2 sin θ माइनस 1 वन फैक्टर 2 sin θ प्लस 3 अनदर फैक्टर। इससे तो sin θ की जो वैल्यू आ रही है दैट इज नॉट इन द रेंज ऑफ sin θ। Hence you must have sin theta is equal to half or 0. Sin theta is equal to half or 0 के number of solution in open interval 0 to pi पूछा है। Open interval 0 to pi, तो 0 से pi में sin theta अगर आप लिया तो half तो अचीव करेगा दो पॉइंट्स पे, pi by 6 and 5 pi by 6 and 0 कभी अचीव नहीं होगा। तो sin theta cannot be 0, तो it has only two solutions. तो given system will have non-trivial solution for two values of theta, pi by 6 and 5 by 6. नाउ ऐसे से क्वेश्चन अभी हमने किया था, ए ट्रांसपोज पहले निकाल लिया इस मैट्रिक्स का, ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वेट कीजिए। तो डेफिनेटली मतलब जो इक्वेशन बनेगी ए ट्रांसपोज निकालने पे, मतलब जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे उनको बस आपको वन मतलब डायगनल एलिमेंट्स को वन के इक्वेट करना है सच। तो डायरेक्टली आपकी पी क्यू आर की वैल्यूज आ जाएगी जो जो पूछिए, इनफैक्ट मॉड भी पूछा जस्ट पी पूछा। इस क्वेश्चन में दिस इज अगेन सिमिलर टू योर प्रीवियस वन, एक अभी जो किया था उसी के जैसा है। नाउ दिस इज डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज लग रही है, इट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए बी ए ट्रांसपोज दिया हुआ, दैट इज डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज, दैट इज डिटरमिनेंट ए, दैट इज एट। Determinant of AB inverse will be determinant A into determinant B inverse, that is determinant B divided over. So, given for that determinant B inverse is 1 by determinant B, ये भी 8 है। So, इन दो इक्वेशन से क्या हमारा determinant A determinant B की वैल्यू मिल गई? Determinant B determinant A is 8 into determinant B, that is 8 into determinant B, ये determinant A की वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर into determinant B is 8. That comes out to be determinant B cube is equal to 1 by 8. Hence, determinant B is 1 by 2. Hence, determinant A is determinant 8 times determinant B, so it is 4. दोनों वाली मिल गई आपकी, और अब फाइनली निकालना क्या था? Determinant B into determinant A inverse, that is 1 by determinant A into determinant B. So, determinant B का square is 1 by 4 by determinant A, that is 4. 1 by 16 will be the answer. Now this one is from 11th Jan और simple determinant evaluation करनी है। तो अगेन मतलब एज सच ऑब्जर्वेशन में दिख रहा है कि अगर हम रो वन प्लस रो टू प्लस रो थ्री कर दें, रो वन में ये ऑपरेशन करें तो हमारा पहला एलिमेंट ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा,
सेकंड एलिमेंट भी आपका ए प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। थर्ड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो इज ऑल्सो कन्वर्ट टू बी ए प्लस बी प्लस सी। बाकी एलिमेंट एज इट इज कॉपी कर लिए, 2b 2c, बी माइनस सी माइनस ए 2c 2b c माइनस ए माइनस बी। ए प्लस बी प्लस कॉमन आ गया एज अ फैक्टर, और इनसाइड यू आर लेफ्ट विद 1 1 1, 2b b माइनस सी माइनस ए 2b 2c 2c c माइनस ए माइनस बी। और इसके में डायरेक्टली ओपन ही करना है। अभी मैं जीरो सम जीरो दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। लेट्स टेक दिस केस कि हम वो कॉलम 3 में से कॉलम 2 सबट्रैक्ट करते हैं, दैट इज जीरो कॉलम 3 में, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 कर रहे हैं जीरो, दिस विल बी 2b माइनस बी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 3 माइनस ए माइनस बी माइनस 2c विल बी माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। कॉलम 2 में से कॉलम 2 माइनस कॉलम 1 कर देते हैं, विल बी जीरो इज माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, दिस वन इज जीरो, दिस इज 1 2 b 2 c। इट फाइनली सिंपलीफाइज टू ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, एंड दिस एक्सप्रेशन इज गिवन टू बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। और अब इसको अगर इसके इक्वेट कर रहे हैं तो वन पॉसिबिलिटी जो दिख रही है वो ये दिख रही है कि दिस मस्ट बी इक्वल टू जो सेकेंड फैक्टर है दैट एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो एक चॉइस तो एक्स इज इक्वल टू जीरो है, बट एज सच एज पर क्वेश्चन उसने क्वेश्चन में दिया था एक्स इज नॉन जीरो, इनफैक्ट उसे एक एक्स नॉन जीरो यहाँ क्वेश्चन में मेंशन करने के बाद एक ऑप्शन जीरो देनी चाहिए थी। तो एज सच अगर एक ऑप्शन जीरो देता तो कुछ लोग तो जीरो टिक कर देते, इसको इग्नोर ही कर देते, मतलब ये देखते ही ना एज सच, तो वो मतलब ट्रिकी हो जाता टफ थोड़ा, मतलब बहुतों का गलत होता है उसके इसके अंदर। तो एज सच एक पॉसिबिलिटी तो ए बी एक्स जीरो, अदरवाइज दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, मतलब जब स्क्वायर कैंसिल हो गया दो सोल्यूशन आएंगे ना, तो जो नेगेटिव वाला मिस कर जाएगा उसका मतलब रूट प्लस हो गया, दिस माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, एंड दैट केस एक्स कम्स आउट टू बी माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर ऑप्शन जीरो दी होती तो कोई चेक शायद करता ही ना, अगर जीरो दी है तो वो चेक ऑफिस करता है कि सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी है एक्स इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। नाउ दिस इज फ्रॉम 12th Jan 2019। इट्स अ गुड क्वेश्चन, इट सेज मैट्रिक्स पी दिया हुआ है आपको और एक मैट्रिक्स क्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज मैट्रिक्स क्यू इज इक्वल टू पी टू द पावर 5 प्लस आई 3। और उस मैट्रिक्स क्यू के 2-1 एलिमेंट 3-1 एलिमेंट और कसम बाय 3-2 एलिमेंट का वैल्यू निकालना है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है आपको। तो नाउ एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि मैं अगेन पी टू दी पावर 5 निकालने के लिए पी की पावर रेज करके पैटर्न ऑब्जर्व करूँ कि पी स्क्वायर पी क्यू पी फोर में पैटर्न कुछ बन रहा है तो मेरे को पी टू दी पावर 5 मिल जाएगा। दैट इज वन पॉसिबिलिटी जो हमने कुछ क्वेश्चन में पहले भी किया था कि पी स्क्वायर पी क्यू निकाल के ट्राई टू आइडेंटिफाई पैटर्न, वो पैटर्न ऑब्जर्व करके यू गेट पी फाइव पी टू पावर 5 वो निकाल के यू गेट क्यू मैट्रिक्स कम्प्लीटली, पी टू पावर 5 आपका कम्प्लीट मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। और एक चीज अगर आप एक चीज रियलाइज करें कि आपको क्यू टू वन क्यू थ्री वन निकालना है, मतलब बेसिकली क्यू टू वन होगा आपका इस पोजिशन पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम,
Q31 इज दिस पोजिशन एंड Q32 इज दिस पोजिशन। तो इन तीन पोजिशन पे तो वैसे भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि I3 में ये तीन पोजिशन जीरो होती है, ये तीनों पोजिशन जीरो होती है I3 की। एक्चुअली मेरे को P2 to the power 5 की ही ये तीनों पोजिशन चाहिए, P2 to the power 5 की यही तीनों पोजिशन चाहिए P2 to the power 5 की। तो मेरा फोकस एक्चुअली में P2 to the power 5 निकालना है। तो एक मेथड तो ये है ही, ये मेथड वन हो गया। मेथड वन हो गया, आपको P2 to the power 3 निकाल के पैटर्न आइडेंटिफाई करो और P2 to the power 5 जनरेट करो। तो इसको एक और तरीके से करते हैं, तो दैट इज पी मैट्रिक्स को हम स्प्लिट कर देते हैं मैट्रिक्स आई। मैट्रिक्स आई है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसमें ऐड करते हैं एक अनदर मैट्रिक्स एक्स जिसका सम पी बन जाए, इन दोनों का सम पी बन जाए। तो दैट इज एक्चुअली एक्स मैट्रिक्स कैसे निकलेगा कि पी मैट्रिक्स में से आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट कर दी, तो डायगनल एलिमेंट 1 से रिड्यूस कर देंगे। इट विल बी 0 0 0 3 0 0 एंड इट विल बी 9 3 0। तो आप चेक कर सकते हो, मतलब आई और एक्स को ऐड करके यू गेट सेम पी और नॉट, तो वो मिल जाएगा हमने। पी में से आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस करके नया मैट्रिक्स एक्स जनरेट कर दिया। और क्योंकि हमने आई और एक्स में स्प्लिट किया है, तो ये आई और एक्स आपस में कम्प्यूट भी कर रहे हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कम्प्यूट विद एवरी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कम्प्यूट विद एवरी मैट्रिक्स। आई इंटू एक्स इज सेम एज एक्स इंटू आई। तो अब मैं पी की पावर 5 निकालने के लिए आई एम गोइंग टू यूज दिस I+X^5, I+X^5, और इसमें हम नॉर्मल बाइनोमियल आइडेंटिटी लगा सकते हैं। जो बाइनोमियल थ्योरम वाली आइडेंटिटी होती है मैट्रिसेस में वो लग सकती है, वो तब लग सकती है जब अंदर जो बाइनोमियल में जो दो मैट्रिसेस है वो आपस में कम्यूट कर रहे हो। तो ये कम्यूट कर रहे हैं आई एंड एक्स, तो इसमें आइडेंटिटी अगर लगाएं तो इट विल बी 5C0 I X^0 I^5, नेक्स्ट विल बी 5C1 दैट इज 5 I^4 X, 5C2 I^3 X^2 एंड दिस गोज ऑन। तो देखा जाए तो आई की कोई भी पार रेज करोगे दैट इज नथिंग बट आई, इट इज I+5X+5C2 X^2 5C3 X^3 5C4 X^4 5C5 X^5। तो देखा जाए तो अभी भी हमारे पास कैलकुलेशन के लिए एक्स की पावर कैलकुलेट करनी रह गई, मतलब पी ना कैलकुलेट करके एक्स की पावर कैलकुलेट करनी है। मतलब अगर उसके डिफिकल्टी लेवल देखें तो उतना ही है। हाँ वो बात अलग है, थोड़ा सा इजी हो गया होगा क्योंकि पी में जो डायगनल एलिमेंट 1 थे एक्स के डायगनल एलिमेंट 0 है, तो एक्स की पावर कैलकुलेट करना इजी है। तो लेट अस कंप्यूट X^2 भी 0 0 0 3 0 0 9 3 0 टू बी मल्टीप्लाइड बाय 0 0 0 3 0 0 9 3 0। इट विल कम आउट टू बी 0 0 0, नेक्स्ट एलिमेंट विल बी 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 9 3 0 विद 0 3 9 विल बी 0 9 3 0, नो सॉरी इट इज 9 9 3 0 विद 0 3 9 विल बी 0 9 9 3 0 0 0 3 विल बी 0 एंड दिस इज 0। तो बाय चांस नल मैट्रिक्स नहीं आया, एक एलिमेंट की वजह से नल मैट्रिक्स बच गया, नहीं तो ये नल मैट्रिक्स हो जाता अगर सारे एलिमेंट 0 हो जाते। तो X^2 में एक एलिमेंट आ गया इस पोजीशन में 9। तो अब एक और कंप्लीट करते हैं, व्हाट इज X^3। X^3 विल बी X^2 × X, दैट इज 0 0 0 0 0 9 0 0 टू बी मल्टीप्लाइड बाय योर एक्स मैट्रिक्स व्हिच इज रेफ मैट्रिक्स वाज योर दिस वन 0 0 0 3 0 0 9 3 0। नाउ दिस विल बी 0 0 0, X^3 कम आउट टू बी 0। तो व्हाट इज एक्स, एक्स इज अ निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब इंडेक्स 3। एक्स एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है जिसकी पावर 3 0 आ रही है, एक्स की पावर 3 0 आ रही है। तो क्या मैं कह सकता हूँ X^3 अगर 0 आ गया तो एक्स की हायर पावर्स मतलब 3 के बाद वाली जितनी पावर है सब 0 नल मैट्रिक्स होंगी। X^3 0 है, X^4 भी 0 है, X^5 भी 0 है। तो आपकी ये तीन एंट्रीज तो 0 मैट्रिक्स हो गई। तो अब जो कैलकुलेशन रह गई वो ये रह गई P^5 में। नाउ व्हाट इज P^5, इट इज सिंपली I+5X+5C2 दैट इज 10X^2। तो बस आपको ये निकालना है, इट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1 टू बी एडेड विद 5X, दैट इज 5 टाइम्स मैट्रिक्स X। मैट्रिक्स X वाज 0 0
0 300 930 एंड 10x² मीट्स बी 0 0 0 0 0 0 90 0 0. Now it comes out to be 1 0 0 15 0 plus 15. This element will be 1. This is 0. This must be 45 plus 90 135. 50 0. दिस इज योर मैट्रिक्स पी टू बी फाइव. तो क्यू अब निकालना ही नहीं है, क्यू था पी टू बी फाइव प्लस आई, बट फाइनली हमारा एम था Q21 प्लस Q31 डिवाइडेड बाय Q32 डिवाइडेड बाय Q32. दैट मस्ट बी जो पी की पर फाइव के एलिमेंट्स हैं ये वही हैं. Q21 मस्ट बी दिस ओनली, दैट इज 15 प्लस Q31 विल बी 135 by 232, that is 15. That is coming up to be 150 by 15, that is 10. Answer for this question is 10. So, two methods hain. Matlab method one to aapka ye approach hai ki agar aap p square p cube nikal ke pattern observe karo, ya fir method two jisme hum kehte hain ki humne i split i aur x ke sum mein split kiya p ko, ye har us situation lag jayega, matlab जिसमें आपको किसी मैट्रिक्स की हायर पार्ट निकालनी है और उसमें से अगर आप आई स्प्लिट करके आई और एक्स के एडिशन में करके उस पर जो पावर निकालनी है उसको बाइनोमियल से एक्सपैंड करें और एक्सपैंड करके जो एक्स की पावर आ रही है उसमें पैटर्न ऑब्जर्व करें कि वो किसी स्टेज पे एडम्पोटेंट या मे बी इन्वोल्यूट्री या निल्पोटेंट में से कोई बन जाए. एडम्पोटेंट बन जाता अगर बाई चांस x² x आ जाता, x² x आ जाता तो x³ भी x ही होता, क्योंकि अगर x² x होता, अगर x² x होता तो x³ भी x² के इक्वल होकर x के इक्वेट हो जाता. तो उस केस में भी कैलकुलेशन हो जाती, थोड़ा सा बाइनोमियल आइडेंटिटी और लग जाती है उसमें, क्योंकि NC1, NC2, NC3 कॉमन आ जाते, मतलब x कॉमन आ जाता तो NC1, NC2, NC3 का सम 2n-1 हो जाता. तो एडम्पोटेंट होता या निलपोटेंट होता, दोनों ही केस में इस तरीके से क्वेश्चन जनरेट हो जाता है आंसर. ओके, लास्ट टू क्वेश्चंस. Now in this question you need to find again system has a unique solution, that means d must not be equal to zero. D must not be equal to zero. So d not equal to zero करके you get a relationship between alpha and beta. You get a relationship between alpha and beta. इस format में it is unequal to zero. और उसके बाद आपको बस alpha beta के वो pairs option में से verify करना है जो इस equation को satisfy कर रहा है. So again I am skipping this and the last question for this webinar session, again from simultaneous equation. इसमें it says कि जो system है तो given system is a clearly an homogeneous system, क्योंकि right hand side पे lambda x lambda y lambda z left hand side पे remove चले जाएंगे तो x common आ जाएगा, right side zero हो जाएगी. तो system has non-trivial solution is delta, that is determinant must be zero, that is 1 minus lambda minus 2 minus 2 1 2 minus lambda 1 minus 1 minus 1 and minus lambda. This must be 0. This must be 0. Let us open this. This is 1 minus lambda minus 2 lambda plus lambda square plus 1 plus 2 times minus lambda plus 1 minus 2 times minus 1 plus 2 minus lambda. This must be equal to 0. This will be minus 2 lambda plus lambda square plus 1 plus 2 lambda square minus lambda cube minus lambda minus 2 lambda plus 2, that this is 1, minus 2, minus 1, plus 2 lambda. This must be equal to 0. So, eventually, minus lambda cube plus 3 lambda square
लैम्डा स्क्वायर, एंड दिस इज -3 लैम्डा एंड कॉन्स्टेंट इज गिवन अप टू बी +3, नो सॉरी इट इज +1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल क्यूबिक इक्वेशन क्या बनी, 3 लैम्डा क्यूब -3 लैम्डा स्क्वायर +3 लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। एंड एज यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर दिस इक्वेशन इज नथिंग बट λ-1 होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो बाय चांस जो मेरी इक्वेशन इन लैम्डा बनी क्यूबिक इक्वेशन उसके तीनों रूट्स इक्वल टू 1 है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1, ट्रिपल रूट, थ्री कॉमन रूट्स मतलब थ्री रियल एंड इक्वल रूट्स तीनों 1 है फाइनली। और उसने क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया हुआ था, इट सेज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा जो है वो क्या है, इज इट सिंगल टर्न, इज इट एन एम्प्टी सेट और स्पॉट। तो इन वैल्यूज को उसने सेट फॉर्म में डालोगे तो हमें पता सेट में रिपीटिशन वोंट मैटर एंड ऑर्डर डजंट मैटर। तो एक्चुअली दिस सेट कंसिस्ट ऑफ ओनली 1, इट इज अ सिंगल टर्न सेट, हेंस आंसर मस्ट बी 1। रेदर अगर उसने पूछा होता कि लैम्डा की कितनी वैल्यूज आई हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा, तो आप 3 बोलते क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, इट हैज टू बी 3 रूट्स, इक्वल रूट्स होते थ्री भी, बट क्योंकि सेट फॉर्म में उसने ये मतलब जो एक प्रॉब्लम थी उसने सेट फॉर्म में पूछी है कि सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, सेट में देर विल बी ओनली 1 एलिमेंट। इस टाइप का क्वेश्चन पहले जेई मतलब एडवांस में भी आया था सेट फॉर्म में। तो ये हमने सारे ही क्वेश्चन जितने भी जनवरी और अप्रैल पिछले साल आए थे और इस साल जितने 20 में जनवरी में आए थे वो कर दिए। एक आध क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया, वो आप खुद कंप्लीट कीजिएगा, एक थोड़ा लंबी था और दो क्वेश्चन जो हमारे साइमल्टेनियस क्वेश्चंस के थे। तो मतलब आपको ये रियलाइज हो गया होगा जैसे ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब लिया भी पूरा पूरा जेई एडवांस के क्वेश्चन से पैटर्न पे था, मतलब जेई एडवांस में क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका था। तो आपको जेई मतलब मेंस में भी अच्छे ठीक ठाक से क्वेश्चन आ जाते हैं प्रैक्टिस बेस्ड, ऑल दो उसमें सिर्फ सिंपल प्रॉपर्टीज या ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन हैं या कुछ क्वेश्चन साइमल्टेनियस क्वेश्चन के हैं। तो आई होप आपको मतलब कुछ अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी और बेनिफिट मिला होगा इस सेशन से। तो प्लीज़ आप सपोर्ट के लिए मतलब ये लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, और ऑल द बेस्ट फॉर जेई मेंस, अपकमिंग जेई मेंस तो जब भी होगा मतलब। ओके थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, आई एम एंडिंग दिस सेशन, थैंक यू।